आप सभी को नमस्ते। जतन संस्थान महावारी स्वास्थ्य भारत दर्शन वेबिनार श्रृंखला के तीसरे एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस एपिसोड में हम प्रयास कर रहे हैं कि महावारी स्वास्थ्य को लेकर अलग अलग क्षेत्रों के नज़रियों को, वहाँ से जुड़ी भ्रांतियाँ और वहाँ की जुड़ी परंपराओं को समझने के लिए और वहाँ किए जा रहे महावारी स्वास्थ्य पर प्रयासों के ऊपर हम एक गहरी समझ बना सकें। पिछले दो एपिसोड में हमने राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, भोपाल, नागालैंड, कर्नाटका, असम से जमीनी आवाजों को आप तक पहुंचाया था। इस एपिसोड में हम और चार प्रदेशों को आपके सामने ला रहे हैं और इस बार भी यही प्रयास है कि हम अलग अलग हिस्सों के जमीनी आवाजों को आप तक पहुंचा सके। एक बार और आप सभी का स्वागत। मैं पायल, आपकी सूत्रधार आज की, मॉडरेटर आज की। मेरे साथ मेरी टीम के साथी भी जुड़े हैं, जिनमें लक्ष्मी, स्मृति, राजसी, अंबिका, सोहेल, ओम, भूपेन शामिल हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ हैसगिक टीम का, जिन्होंने टेक्निकली हमको मदद करी है एक लंबी चौड़ी लिस्ट एक बड़ी ऑडियंस के साथ जुड़ने में मदद करने के लिए। धन्यवाद आपका। वेबिनार की शुरुआत करने से पहले कुछ नियम मैं आपको बताना चाहूँगी कि चूंकि ये वेबिनार पूरे भारत दर्शन के लिए है, तो हम बहुत बहुत आप सबको स्वागत देते हुए आपको आमंत्रित करते हैं कि आप चैट का भरपूर प्रयोग करें, अपनी बातें, अपने विचार, अपनी प्रतिक्रियाएं और सवाल अपने चैट्स में लिखना ना भूलें। हम अंत में एक क्वेश्चन आंसर सत्र करेंगे जिसमें इन सभी प्रश्नों को, सभी प्रतिक्रियाओं को समेकित करने का प्रयास करेंगे। हमारा यह वेबिनार YouTube पर लाइव भी चल रहा है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि ये लिंक आप अपने सभी साथियों के साथ भेजें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इससे जुड़ सकें। वेबिनार की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले मैं स्मृति जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। शुरुआत करते हैं। आप जतन संस्थान के साथ एक लंबे समय से जुड़ी हैं और प्रजनन स्वास्थ्य और महावारी प्रबंधन जैसे विषयों पर अपनी गहरी समझ रखती हैं। आपका दशकों का अनुभव है मेंस्ट्रुअल हेल्थ स्पेस को इंक्लूसिव बनाने के लिए और सेफ स्पेस बनाने के लिए। इस वेबिनार श्रृंखला के दूसरे भाग की समीक्षा करने के लिए और इस वेबिनार सीरीज की महत्ता को हम सभी के साथ दोबारा साझा करने के लिए हम आपको आमंत्रित करते हैं। स्मृति जी, कृपया आप अपना माइक अनम्यूट करें और सभा को संबोधित करें। थैंक यू पायल। अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड वार्म वेलकम टू एवरीवन टू द थर्ड एपिसोड ऑफ जतन संस्थान्स वेबिनार सीरीज मेंस्ट्रुअल हेल्थ भारत दर्शन। In the previous episodes, we had presented from the east of India with speakers from Arunachal Pradesh, Nagaland, and Assam. From the west, we took you to Pali, Udaipur, and Dungarpur districts of Rajasthan. We also took you to Karnataka in South India and Madhya Pradesh and Delhi in North India. You can see the entire network is on your screen. From all these states, we heard voices of women and men altering the space of menstrual health in India. In their own lives. We congratulate all our speakers who come from diverse communities and who are the real agents of change, who strive hard to make a difference on the ground. The focus of our webinar series is to bring to you voices from the ground, voices that are often unheard in the mainstream spaces, voices of individuals that are not at the center of policy formulation and program design, but definitely at the center of all implementation. They are the ones who validate best practices and way forward. We thank them, our speakers, yet again, for working hard to learn a new skill and participate in this new method of sharing called the webinar. There have been many insights and learnings from the two previous sessions, from the two previous episodes, and the preparation activities with the speakers and local organizations. We have understood how communities are critically examining myths and taboos, how superstitions and management systems are being questioned, how the silence is being broken from an individual's home through the entire community,
While tribal societies are traditionally liberal societies, they too have underlying hesitation about menstruation and a lot of other learnings, like organizations involved in pad production struggle to make these units sustainable. Cloth pads and sustainable products have found their way in government setups and are being accepted much more now, which in Jatan's long experience of advocacy for such products is a positive welcome change. Local administration plays a very crucial role in spreading and sustaining menstrual health initiatives. And while myths and taboos can vary from different communities, vary in intensity of practice in, from different communities, lack of awareness on menstruation, its connection to childbirth, correct information on products, and involvement of men in menstruation is very limited everywhere. So today, I welcome you and to episode 3. We bring to you in today's Bharat Darshan speakers from the states of Gujarat, Odisha, West Bengal, and Rajasthan. The Jatan team, as you can see in the slide, is young to very young, enthusiastic individuals. And for us, the webinar has been a new learning, and we hope that some of you who watched our previous episodes enjoyed it as much as we did. I would not take any more time, and I'll hand over the mic to Payal, our moderator, so she can quickly bring our speakers for the day. Thank you. धन्यवाद स्मृति जी, आपने एक सूत्र में भी बताया कि महावारी स्वास्थ्य गए पिछले सालों में कैसे महत्ता को घेरने शुरू कर चुका है. आपने बताया कि ये वेबिनार सीरीज हमारे लिए क्यों इतनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ हम सीधे जमीनी स्तर की आवाजों को एक प्लेटफॉर्म पे लेकर के आते हैं और इससे इससे उनकी ताकतें और बढ़ती हैं और एक पॉजिटिव एनर्जी इस पूरी थीम के अराउंड जनरेट होती है. थैंक यू सो मच स्मृति जी. आज की पहली जो हमारी प्रस्तुति है वो वेस्ट बंगाल से दार्जिलिंग से आ रही है और इसमें एक हमारे साथ नीमा तमंग जुड़ी हैं. हम उनको आमंत्रित करते हैं. आपको आमंत्रित करें उससे पहले हम आप बताना चाहते हैं कि दार्जिलिंग प्रेरणा एक संगठन है जिसमें छोटे किसानों, समुदाय आधारित संगठन, शैक्षिक संस्थानों, चाय बागान श्रमिकों और अन्य गैर सरकारी संगठनों के साथ समता यानी कि इक्विटी, टिकाऊ कृषि यानी कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जल और स्वच्छता पर काम हो रहा है. साथ ही बाल मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर भी इसमें 1996 के साथ सतत रूप से कार्य किया जा रहा है. दार्जिलिंग प्रेरणा महावारी से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए और महावारी के लिए एक स्पेस बनाने के लिए अपने प्रयासरत है और साथ ही साथ इन्फॉर्म चॉइसेस को सब तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत है और इसको वह जागरूकता के स्ट्रैटेजी के रूप में कर रहे हैं. महावारी के मुद्दों पर यह संस्था वर्ष 2016 से काम कर रही है. तो आइए देर ना करते हुए हम झलकियां लेते हैं कि दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में कहां स्थित है. आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर कि दार्जिलिंग उत्तरी में वेस्ट बंगाल के उत्तर में स्थित है. अब आपकी स्क्रीन पे कुछ फोटोग्राफ्स दिख रहे हैं कि दार्जिलिंग में किस तरह के घर, किस तरह की जलवायु है. यहाँ कोबलोंग कम्युनिटी के लोग एग्रीकल्चर के साथ खासा सीधे सीधे जुड़े हैं. यदि हम टॉयलेट्स की बात करें तो यहाँ की स्वच्छता की पे सतत प्रयास हमको अलग अलग रूप में अलग अलग पैमानों में दिख पा रहे हैं. अब इस स्लाइड में आप देख पाएंगे कि किस तरह से मीटिंग्स, वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग्स के द्वारा सस्टेनेबल यानी कि टिकाऊ महावारी पर जागरूकता प्रशिक्षण किया जा रहा है. मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ नीमा तमंग को कि वे आए और अपने अपने इन अनुभवों को और प्रयासों को आपके साथ साझा करें. नीमा. ઓડિયો તો સંભળાય છે પણ અમારે વિડિયો નથી દેખાતો. અમારે વિડિયો નથી દેખાતો, ઓડિયો તો સંભળાય છે. हाम्रो गाउँ धेरै सानो साथै दार्जिलिङ शहरदेखि अलिक टाढा छ.
यहाँ प्राय सबैले खेतीपाती द्वारा आफ्नो जीविका चलाइरहेको छ र धेरै समाजहरूमा बेग्लै बेग्लै प्रकारका धारणाहरू छ र धेरै प्रकारका अन्धविश्वासहरू पनि छ। ती मध्ये हाम्रो गाउँमा महिनावारी भएको छ। निमा, क्या आप थोड़ा ऊँचे बोल सकते हैं, क्योंकि आपकी आवाज काफी हल्की आ रही है। थोड़ा सा ऊँचा बोल दें और हम आपको अच्छे से सुन पाएंगे। ओके, श्योर। फ्रॉम स्टार्टिंग, सबै जनालाई नमस्ते। म निमा छोडेन तामाङ, बिजनबारी ब्लक डिस्ट्रिक्ट दार्जिलिङबाट। म डिआरआर प्रेरणा संस्थामा साल 2016 काम गरिरहेको छु। हाम्रो गाउँ धेरै सानो, साथै दार्जिलिङ सहरदेखि अलिक टाढा छ। यहाँ प्राय सबैले खेतीपातीद्वारा आफ्नो जीविका चलाइरहेको छ र धेरै समाजहरूमा बेग्लै बेग्लै प्रकारका धारणाहरू छ र धेरै प्रकारका अन्धविश्वासहरू पनि छ। ती मध्ये हाम्रो गाउँमा महिनावारी भएको समय स्त्रीहरूलाई खेतीबारीमा पस्नु दिँदैन र उनीहरू विश्वास राख्छ कि महिनावारी भएको बेला स्त्रीहरू अदुवाको पात छोयो भने अदुवा कुन्छ। साथै हाम्रो गाउँमा हरेक साल पानीको मुहानमा पूजा गर्छ, जसमा पुरुष र नानीहरू मात्र पूजामा जान पाउँछ। उनीहरू विश्वास राख्छ कि स्त्रीहरू पूजामा गयो भने सबै गाउँवासीले पानी कम्ती भएको समस्या भोग्नु पर्छ र दुई दाम्पत्य महिनावारीको बेला सँगै सुत्न पनि हुँदैन भन्ने चलन पनि छ। यहाँ प्राय स्त्री र छोरी नानीहरूले डिस्पोजेबल सेनिटरी न्यापकिन्स चलाउने गरिन्छ र त्यसलाई चलाइसकेपछि उनीहरूले जलाउने काम गर्छ र हामीलाई डिआरआर प्रेरणाद्वारा ट्रेनिङ अफ ट्रेनर्स गराइएको थियो। साथै हामी सबै मिली हरेक साल मासिका महोत्सव तारिक 21 मेदेखि 28 मेसम्म मनाउने गर्दछौँ। साथै मैले धेरै पल्ट अवेरनेस प्रोग्राम हाम्रो गाउँमा गरे। त्यस पश्चात कतिपयहरूले आफ्नो स्वास्थ्य र पर्यावरणलाई ध्यानमा राख्दै कपडा प्रयोग गर्न लागेको छ। साथसाथै उनीहरूले कपडालाई साबुन, पानी र नुनले धोएर घाममा सुकाउने गरेको छ। मेरो गाउँमा अवेरनेस प्रोग्राम गर्दा पुरुषहरूलाई पनि उपस्थित हुन निवेदन गरेको थिए, तर मैले जस्तो प्रोग्राम सुरु गरे उनीहरू एक एक गर्दै लाज मानेर भाग्न थाले। म फेरि पनि आउँदो साल म अझै राम्रोसँग कोसिस गर्छु कि पुरुषहरूको पनि उपस्थित होस् भनेर, र म स्वयं स्वास्थ्य साथै पर्यावरणलाई ध्यानमा राख्दै मेन्स्ट्रुअल कप चलाउन सुरु गरेको छु। कपको बारेमा सुनेर सुरुवातमा म आफै अचम्भित भए र मैले यी कुराहरू मेरो हस्बेन्डलाई सुनाए। उसले त्यस पश्चात मलाई कप ल्याएर चलाउनु भनी सल्लाह दियो। जब मैले कप लगाउन थाले एकदमै सजिलो लाग्यो, मानु महिनावारी भएकै छैन जस्तो। यस्तो सजिलो हुँदो रहेछ, महिनावारी बेला स्विमिङ गर्नु पनि सहज भयो र हाम्रा गाउँका दिदी बहिनीहरूले मलाई प्रश्न राख्छ कि यसलाई कसरी लगाउनु, के यो लगाउँदा दुख्दैन, लिक भयो भने के चाहिँ गर्नु, यस्तो कुराहरू सोध्ने गर्छन्। हुन चाहिँ यो कप मेरो गाउँका लागि नयाँ हो, कल्चरली एक्सेप्ट होइन, त्यसैले उनीहरूलाई कप बारे बुझाउनु अलिक गाह्रै परिरहेको छ। हुन्छ, धन्यवाद। धन्यवाद निमा, आपने
अपनी स्थानीय भाषा नेपाली में बहुत अच्छे से ये समझाया कि आपके क्षेत्र में एग्रीकल्चर बहुत प्रोमिनेंट है। आपने समझाया कि आपके क्षेत्र में महावारी कि में से जुड़ी क्या क्या भ्रांतियां हैं, जैसे कि खेत में जाएं तो अदरक की जड़ का सड़ जाना, इस तरह की बातों को वहां पर बोला जाता है। आपने बताया कि आप संस्था से जुड़ करके आपने सतत महावारी के उत्पादों को जाना, जिनमें महावारी कप एक है। शुरुआत में हेजिटेशन हुई थी कि कैसे यूज करेंगे, बाकी सारे साथी भी आपसे सवाल पूछते थे कि इसे प्रयोग करने से दर्द तो नहीं होता जैसी चीजें, और आपने बहुत ही अच्छे से अपने बाकी के साथियों को भी ये बातें बताएं कि ये सारी चीजें मिथ्या है, बल्कि कप का प्रयोग करें तो ये एक सतत प्रोडक्ट भी है, इससे आप स्विमिंग करते समय भी प्रयोग में ला सकते हैं और ये दर्द भी नहीं देता। धन्यवाद नीमा आपका, आप इसी तरह से खूब एनर्जीज बिखेरिए और अपने आसपास की सभी महिलाओं को, पुरुषों को इस महावारी अभियान में जोड़े रखिए। धन्यवाद आपका। अब हम चलते हैं दार्जिलिंग के ही कोलकाता क्षेत्र की तरफ, जहां हम हमारे साथ जुड़ी हैं प्रिशा। ओके, हमारे साथ प्रिशा जुड़ी हैं। प्रिशा रंगीन खिड़की फाउंडेशन संस्था से जुड़ी हैं। ये एक युवा नेतृत्व वाली नारीवादी संगठन है जो कोलकाता में जेंडर, यौनिकता और SRHR के मुद्दों पर काम कर रही है। रंगीन खिड़की SRHR को सभी व्यक्तियों के लिए सुलभ बनाने के लिए एक सतत प्रयास कर रहे हैं और इसी मुद्दे पे वे अपना सहयोग और विश्वास रखती हैं। शहरी और ग्रामीण पश्चिम बंगाल, झारखंड और दिल्ली में महावारी स्वास्थ्य के बारे में आपने जागरूकता कार्यक्रम और शैक्षिक कार्यक्रम करे हैं और उनको जमीनी स्तर तक पहुंचाया है। रंगीन खिड़की फाउंडेशन ने महावारी स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रबंधन के बारे में सरकारी स्कूलों, गैर सरकारी संगठनों, कॉर्पोरेटों एवं आवासीय परिसर में जागरूकता का काम किया है। आप देख पाएंगे कि मैप में कोलकाता हमारा वेस्ट बंगाल में कहाँ दिखता है, और यह जो वेस्ट बंगाल का मेनलैंड है, ये दार्जिलिंग जो हमारी पिछली प्रेजेंटेशन थी उससे काफी अलग आप पाएंगे। आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे कि अर्बन स्लम्स हमारे कोलकाता के लगभग कैसे दिखते हैं। यहाँ अलग अलग प्रशिक्षणों के माध्यम से, ट्रेनिंग्स के माध्यम से महिलाओं को कॉटन पैड बनाना भी सिखाया गया, जो आप अपनी फोटोज स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं। साथ ही रंगीन खिड़की फाउंडेशन ने सेक्स वर्कर्स एवं बंगाल पुलिस के साथ मिलकर के महावारी पर सत्र भी आयोजन किए हैं। तो बिना देर करे अब हम बुलाते हैं प्रिशा को। ये 16 साल की किशोरी हैं और ये आपको बताएंगी कि वो महावारी के अभियान से किस तरह से जुड़ी हैं और क्या क्या उनकी तरफ से प्रयास रहे। प्रिशा, रंगीन खिड़की मेरे लिए बहुत पहले तो मैं बोलना चाहूंगी कि मैं इससे अप्रैल से काम कर रही हूँ और मुझे कभी मैंने इसलिए ज्वाइन किया था टाइम पास के लिए, बट मैंने धीरे धीरे ये इतना महत्वपूर्ण हो गया मेरे लिए कि अभी मेरे को नहीं लगता कि मैं इसको छोड़ के कभी जा सकती हूँ। मैं कलकत्ता में बचपन से ही रही हूँ और मुझे लगता है कि और मैंने देखा है कि लोग अपने आइडियाज, अपने परसेप्शंस को कैसे चेंज करते धीरे धीरे। पीपल आर इन्वॉल्विंग and but not to such an extent that they completely forget their roots. So agar main mahamari ke bare mein baat karu to mere ko lagta hai ye class, religion, caste sabse upar hai, ye kisi ko dekhta nahi, ek sabse beyond hai, aur people are still very shy, unko bahut dar lagta hai iske bare mein baat karne ka, party ke bare mein। मैं गर्ल्स, ऑल गर्ल्स स्कूल से हूँ और मुझे अभी भी याद है कैसे हम लोग छुप छुप के अपने सैनिटरी नैपकिन्स वॉशरूम में लेके जाते थे। हम लोग ऐसा क्यों करते थे अब मेरे को भी नहीं पता, बट ये होता था। और मैं अगर अपने बारे में बात करूँ मेरे खुद के फैमिली में, तो मैं अपने फादर के सामने पीरियड्स इन जनरल के बारे में बात करने में बहुत शाय हूँ। ये ना सिर्फ अर्बन एरियाज बट रूरल एरियाज, सब जगह लोग educated women and girls, they still not allowed to
go to temples during the when they are menstruating. And सबसे बड़ा एग्जाम्पल सबरीमाला टेम्पल है. तो हम लोग को ऐसा कंसिडर करते कि हम लोग अछूत है, हम लोग को किचन में जाना अलाउड नहीं है, मंदिरों में जाना अलाउड नहीं है, हम लोग को पौधों में पानी देना भी अलाउड नहीं है क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि पौधे मर जाएंगे. तो ऐसा हम लोग जब सैनिटरी नैपकिन्स को डिस्पोज ऑफ करने जाते हैं तो वो भी कितना एक सीक्रेटिव चीज होता है. हम लोग को नहीं, हम लोग कितना डर डर के उसको फेंकने भी जाते हैं. तो इन जनरल मुझे लगता है कि आजकल मॉडर्न पेरेंट्स तो बदल रहे हैं, अपने बच्चों के साथ बात करने की कोशिश कर रहे हैं, बट मुझे नहीं लगता कि हम लोग जो ओल्ड कल्चर्स हैं उसको कभी चैलेंज कर पाएंगे. एंड पीपल आर चेंजिंग देयर एटीट्यूड्स परसेप्शंस, बट इट इज अ बिगेस्ट विच इज अ वेरी बिग चैलेंज. And there's still many restrictions on girls, and I think people will change slowly. And I can give a very small example, like a girl, ek village wali ladki agar apne usko periods ho jata hai aur wo school ke 5 din nahi attend karti hai, to kyunki usko proper awareness nahi hai ya usko proper pata nahi kya karte hain is time mein, to wo 5 दिन स्कूल की अटेंड नहीं करती है. तो अगर 5 दिन एवरी मंथ अगर उसको स्कूल जाने नहीं मिलता है तो इसका मतलब वो साल के 60 डेज स्कूल अटेंड नहीं कर रही है. तो इससे उसका एजुकेशन भी बहुत हैम्पर होता है. एंड ये 60 डेज नॉट काउंटिंग द एब्सेंटी द नंबर ऑफ डेज शी डज नॉट अटेंड बिकॉज ऑफ अदर रीजंस एट होम. सो आई थिंक इट इज द बिगेस्ट चैलेंज. And Rangeen Khetty tries to educate people about menstruation. They don't even ये खाली लड़कियों या लड़कियों से बात नहीं करते, लड़कियों या महिलाओं से बात नहीं करते, बल्कि लड़कों से भी बात करते हैं, educational institute से भी बात करते हैं, और parents से भी बात करते हैं कि कैसे लड़की को comfortable बनाया जा सकता है, कैसे लड़की को कंफर्टेबल बनाया जा सकता है. एंड मुझे लगता है ये अभी भी बहुत बड़ा चैलेंज है. एंड रंगीन खिड़की स्पेशली को चैलेंज जिसमें इसलिए लगा क्योंकि फंडिंग में बहुत प्रॉब्लम होता है और ये महामारी एक ऑलरेडी बड़ा टैबू है सोसाइटी में, तो उससे उसके लिए फंड रेज करना और भी बड़ा मुश्किल था. एंड मुझे लगता है सबसे बड़ा सक्सेस स्टोरी वुड बी मैं एक अगर लड़के को ये इंस्पायर कर सकती हूँ एक फंडिंग के लिए, तो मुझे लगता है दैट इज द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरी आई कैन शेयर. एंड एंड आई नेवर इमेजिन दैट दिस इज गोइंग टू बी सच एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माय लाइफ. एंड या दैट्स इट. धन्यवाद ऋषा, आपने आपने बहुत ही सरलता से आज के जो किशोर किशोरियां हैं उनकी पर्सपेक्टिव को रखा कि वो महावारी को कैसे देखते हैं. क्योंकि आप अर्बन एरिया से आते हैं तो वहां पर पे भी हम देख पा रहे हैं कि महावारी से संबंधित भ्रांतियां कम नहीं है, बराबर है, बस उन्होंने रूप अलग ले लिया है. तो उदाहरण के लिए जब हमने दार्जिलिंग में देखा था कि वहां खेतों में जाना थोड़ा गड़बड़ था, कोलकाता में हम पाते हैं कि अलग अलग तरह से रोक टोक, जैसे कि पेड़ों को पानी ना देना, पौधों को पानी ना देना, सूख जाएंगे जैसी भ्रांतियां अभी भी प्रचलित हैं. हमारा ये प्रयास है कि हम इन सारी तर्कहीन भ्रांतियों को हर पल प्रतिपल तोड़ने का प्रयास करें. धन्यवाद आपका. अब हम रुक करते हैं उड़ीसा की तरफ और इस सूत्र को मैं अपने साथी भूपेन की तरफ सौंपती हूँ जो उड़ीसा के साथियों का वेलकम करेंगे और उनका परिचय देंगे. साथियों, उड़ीसा की जो हमारी लड़कियां हैं वो उड़िया भाषा में बोलेंगी. आप चार्ट्स पर हिंदी और अंग्रेजी का अनुवाद इसमें देख सकते हैं. भूपेन. नमस्ते साथियों, मैं स्टार्ट करूंगा उड़िया में, फिर आऊंगा फिर हिंदी में. तो चलिए मैं स्वागत करता हूँ
नमस्कार स्वागत करुची मु जतन संस्था जिते भी साथी आम सहित जोड़ी आम सहित आज अच्छा दीपाराणी नायक जयंती बरुद रश्मि कोबासी जो कि मालकानगिरी जिलार ओडिशा रू अच्छा जीए कि बड़ दीदी बोली एक स्वच्छसेवी समूह सहित कम करती जीए कि ऋतुस्राव एवं संबंधित विषय उपरे काम करती बड़ दीदी बाल्य विवाह बालिका शिशु शिक्षा विषय को नहीं कि लोक मान सहित स्ट्रीट प्ले जरिया सचेतना सृष्टि करती चलतु आम जानवा मालकानगिरी विषय मालकानगिरी जिला यार मुख्यालय सहर मालकानगिरी नाम नामित जोटा कि पूरा जिला एक बड़ घंच जंगल रे स्थापित होती जो थे बहुत कम जनसंख्या एवं सहरी अंचल कम रही पूरा जिला खाल घाटी एवं मालभूमि सहित आच्छादित होती कि बंडा कया परजा एवं दिदाई बोली सुंदर आदिवासी मान रही यदि मुझे भूल कहार भूल कर क्षमा करेंगे ओके चलिए तो हम चलते हैं हिंदी लैंग्वेज में उसी को हम हिंदी में बोलेंगे स्वागत करता हूं मैं वापस से जो हमारे साथ जुड़े हैं दीपा रानी नायक जयंती बरुदा एवं रश्मि कोबासी जो कि मालकानगिरी डिस्ट्रिक्ट ओडिशा से हैं वो बड़ो दीदी करके एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जो कि मेंस्ट्रुएशन एवं और भी रिलेटेड मुद्दे पे काम करते हैं बड़ो दीदी चाइल्ड मैरिज बालिका शिक्षा ये सब्जेक्ट को लेके वो लोगों के साथ स्ट्रीट प्ले जरिए में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। चलिए हम मालकानगिरी के बारे में जानते हैं। मालकानगिरी जिला नाम उसके मुख्यालय शहर मालकानगिरी के नाम पर रखा गया है जो कि पूरे जिला एक विशाल घना जंगल में छाया हुआ है जिसमें बहुत कम जनसंख्या और शहरी क्षेत्र है। अगर हम जिले को देखते हैं तो पूरा घाटी पहाड़ और मैदान में स्थापित है। अगर हम देखते हैं जो कि बोंडा कोया परोजा और ददाई जैसे आदिम जनजातियों के द्वारा बसा हुआ है। धन्यवाद। तो साथियों आप अपनी स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे चित्रों को कि वहाँ की वीकली हाट कैसा दिखता है, वहाँ घर कैसे दिखते हैं। और आपने अभी अपनी प्रेजेंट यहाँ पर एक चित्र है कि यहाँ पे महिलाएं और किशोरियाँ किस तरह से अवेयरनेस कर रहे हैं बाल विवाह बालिका शिक्षा और महामारी जैसे मुद्दों पे। तो बिल्कुल देर ना करते हुए अब हम बुलाते हैं अपने साथियों को। हमारे साथ जुड़ी है जयंती दीपा रानी और रश्मिता। मैम नमस्कार मैं रश्मि कोबासी आदिवासी जीओ मोहापड़ा जिला मालकानगिरी ब्लॉक मंडलबी हमारे साथ बोल पाएंगे तो हम उनको अच्छे से सुन पाएंगे थोड़ा सा कस के जोर से। मैम नमस्कार मैं रश्मि कोबासी मोहापड़ा आदिवासी जीओ जिला मालकानगिरी ब्लॉक मालकानगिरी आम कया आदिवासी ग्राम फास्ट पीरियड होते गोटे घर गोटे बन सात दिन नित्याक्रम सब सर जयंती जयंती नमस्कार सर ये आम रश्मिता कहते बोलना चाहूंगी इन्होंने अपना बात रखा है। रश्मि जो कि एक कोया ट्राइब से बिलोंग करती है जो उनके महामारी जो उनके गांव में हमने जब पीरियड के बारे में अवेयरनेस किया था उसी दौरान उन्होंने हमारा सेशन अटेंड किया था तो उन्होंने उनका एक्सपीरियंस रख रहे हैं कि किस तरह से कोया ट्राइब में बहुत सारे उनका मीन्स रहते हैं जैसे जब पहला पीरियड होता है 7 days उनको गाँव से दूर एक जंगल के जगह पे एक छोटा सा घर बना के रखा जाता है वहां पे सारे रिचुअल्स खत्म होने के बाद उनको घर लाते हैं। ऐसे बहुत सारे रिचुअल्स डिफरेंट जो रहता है उन्हीं को वो खुद कैसे फेस किए हैं और बड़े दीदी जो ग्रुप थे उनके साथ वो मिले और उनका जो एक्सपीरियंस है ये रहा है कि वो पहले ऐसे ओपनली कोई उनके साथ बात कभी नहीं किए थे जो चीजों को उन्होंने बड़े दीदी के साथ उनका अनुभव रहा और बहुत कुछ सीखने को मिला वही उनके बाद वो रख रहे हैं कि कैसे उस गांव के बहुत सारे लड़के जो ड्राइवर्स है ज्यादातर माँ बाप कोई भी इस बारे में उनको कोई समझ नहीं देते थे उसका एक नॉलेज आया उनको हमारे साथ जुड़ने का तो वही उन्होंने अपना बात रखा है।
तो फिर से मैं आप सबको नमस्ते कहूंगी। मलकानगिरी उड़ीसा से हमें बड़ो दीदी टीम को यहाँ पे मौका दे कि हमारे बात रखने के लिए। तो हम लोग मलकानगिरी जो कि उड़ीसा की 30 नंबर डिस्ट्रिक्ट है, जो कि मलकानगिरी को 23वां नंबर का डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, जहाँ की पॉपुलेशन के अगर मैं बोलेंगे 70% ट्राइबल रहते हैं। तो उनमें सबसे ज्यादा पुरुषों की तुलना में महिलाओं की जो परसेंटेज बहुत ज्यादा है। उसी तरह मलकानगिरी उड़ीसा में महिला की एजुकेशन भी बहुत कम है और चाइल्ड मैरिज में बहुत आगे है। इस तरह के बहुत सारे सिचुएशंस में आगे ही है। उसके वहां पे हम लोग ने काम शुरू किया बड़ो दीदी का कि पहला जो मुद्दा है मेंस्ट्रुअल हाइजीन, उसी के ऊपर हम लोग ने सोचा कि अगर हम इस मुद्दे पे काम करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लड़कियों के साथ जुड़ने का एक मौका मिलेगा। क्योंकि ट्राइबल लड़के ज्यादातर यहाँ पे बहुत सारे ट्राइब्स है, डिफरेंट ट्राइब, जैसे सर ने पहले बताया उसी ट्राइब में डिफरेंट सबका एक मीन्स जो कल्चर अलग अलग आता है। कि जैसे कि 7 डेज में उनको अलग रखा जा घर से दूर, कुछ भी पुरुषों के साथ में कांटेक्ट में नहीं आएंगे, किसी को नहीं देखेंगे, खाने में भी परिवर्तन हो जाता है। इस तरह का बहुत सारे जंगल में या खेती करने के लिए नहीं जाते, सारे चीजें मलकानगिरी में देखने को मिलता है। महिलाएं खुद को मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर हमने काम किया कि कैसा ही नहीं होता है यहाँ पे, ज्यादा से ज्यादा क्या रहता है मुद्दा, उनको कुछ भी समझ में नहीं होता है। तो उसी तरह हमने सिग्नल्स की थोड़ी कमी होगी, हम देख पा रहे हैं कि ग्लिश हो गया है एक। हाँ, आप चैट्स पे ट्रांसलेशंस हमारे सारे साथी देख सकते हैं हिंदी और अंग्रेजी में। जयंती हमें बता रही थी कि उनके क्षेत्र में महावारी को किस तरह से देखा जाता है। जयंती, अब हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप प्रश्मिता और दीपा रानी को इनवाइट करें, वो उड़िया में भी बोलेंगे तो भी ट्रांसलेशंस हमारे पास हैं और हमारे साथ साथी जुड़े हैं जो मदद करेंगे बाकी भारत के अन्य क्षेत्र के साथियों को समझने के लिए कि उन्होंने क्या कहा। जयंती, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि दीपा रानी और रश्मिता को आप बुलाएं और हम उनको सुनना चाहते हैं और वो बताएं अपने अनुभव और इसके चैट्स पे ट्रांसलेशंस हिंदी और अंग्रेजी में आपको उपलब्ध होंगे। थोड़ा नजदीक आके आप बोलेंगे तो आवाज खूब स्पष्ट और साफ सुनाई देगी। नमस्कार, मैं रश्मिता कुमार सिंह हूं, आदिवासी दीपा। रश्मिता, आप यदि जयंती दीदी वाली कुर्सी पे बैठेंगे ना तो वहां से साफ सुनाई दे रहा है। हाँ, और कैमरा थोड़ा सा इधर कर ले ताकि सब देख पाए। धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार, मोना रश्मिता कुवासी ग्राम पेड़ाकोंडा जिला मलकानगिरी ब्लॉक मलकानगिरी मु कोया आदिवासी जियो आम कोया आदिवासी ग्राम रे जत बेले फर्स्ट पीरियड होछन से बेले से मन गोटे गोरगुड बणी दी ता सिटी से माने रहछन से माने 7 दिन कर सिटी रहछन ता पर से मन को व्यवस्था कर भाई सब जिन से जगी दी ता आंटी हाउ था नमस्ते। मेरा नाम दीपा रानी नायक और मैं बड़े दीदी में एज ए वॉलंटियर काम करती हूँ
और हमारे जो एक साल से हम लोग जो काम कर रहे हैं, हमारे जिला वासी हमको बहुत सपोर्ट किया है इसमें, खास करके जो एजुकेटेड लोग हैं, जो महिला हो या पुरुष हो या लड़का हो लड़की हो, सबने हमको बहुत हेल्प किया है। जैसे कि हम लोग जब कोई गांव में जाते हैं प्रोग्राम करने में करने के लिए, तो वो लोग हमें बहुत सपोर्ट करते हैं और बहुत कम्युनिकेशन में भी बहुत सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो लोग भी चाहते हैं, क्योंकि ये जो हमारे जिले में जो जितने सारे अंधविश्वास है और चाइल्ड मैरिज में भी हमारे जिला आगे है उड़ीसा में सबसे, तो ये सब दूर हो जाए, वो लोग भी जो एजुकेटेड लोग हैं वो भी चाहते हैं। तो हम लोग भी ये टॉपिक में काम कर रहे हैं और हमारे जो बड़े दीदी टीम है, पूरा पूरा टीम को हमको भरोसा है खुद पे, अगर हमको स्कोप मिला और हमको और आगे जाने में मदद मिला तो हम लोग बहुत काम करेंगे और हमारे जिला से ये जो अंधविश्वास है और ये जो कुप्रथा है ये सब दूर हो जाएंगे। हमें पूरा विश्वास है कि हम लोग ये सफल होंगे, हम लोग सफल होंगे इसमें। नमस्ते जी। सक्सेस स्टोरी कुछ बोलने के लिए हमें बोला गया था कि अगर कुछ सक्सेस स्टोरी जी, मैं हम लोग जब काम किए तो पहले पहले रेस्पॉन्ड नहीं करते थे लड़कियां, फिर बाद में धीरे से वो लोग हमें सुनने लगे, जब अपने उनकी भाषा में उन्हें समझाने की कोशिश की वो खुद सामने आए। ऐसा भी चीजें जो देखने को मिला, जो लड़कियां कभी आगे नहीं आते थे, आज वो लोग हमें बुलाती है, दीदी आप लोग आइए यहाँ पे, हम लोग एक करेंगे, या हमें पेड़ चाहिए, या हम दूसरे लड़कियों को समझाएंगे। ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास है। और जो मेल कॉलेज बोले थे पुरुषों को यहाँ पे हम लोग जुड़ना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि ज्यादातर महिला बात करते हैं इस बारे में और पुरुष ज्यादातर बात नहीं करते घर में। अगर एक भैया या पिताजी किसी लड़की को इस बारे में ज्यादा जानकारी होगा तो अच्छे से समझा पाएंगे। इसलिए हम गांव में जब जाते हैं पुरुष लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद मैम। धन्यवाद टीम बोर्ड दीदी। धन्यवाद अपन अपन विषय कहवा पाई बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने बहुत ही सरलता से बताया कि किस तरह के साथ इन मुद्दों पे बात करना कितना जरूरी है और उनके क्या क्या स्ट्रगल्स रहे हैं हमारे महामारी के मुद्दों को लेते हुए। तो धन्यवाद जयंती, धन्यवाद दीपा रानी, धन्यवाद रश्मिता। मुझे बताते हुए बहुत बहुत खुशी हो रही है कि फेसबुक, यूट्यूब और जूम जैसे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को मिलाते हुए को मिलाते हुए हमारे कुल 100 से भी अधिक लोग हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। तो आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और अब हम चलते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की तरफ, जिसका नाम है, जो आ रही है गुजरात से, सेवा रूरल से। तो अब हम रुक कर रहे हैं गुजरात की तरफ, हम सेवा रूरल गुजरात की टीम को आमंत्रित करते हैं। सेवा रूरल ग्रामीण झगड़िया में 1980 से स्वास्थ्य और अन्य विकास क्षेत्रों में काम करने वाली एक वॉलंटरी एजेंसी है। सेवा ग्रामीण बच्चों, युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों के साथ आदिवासी गरीबों के लिए उनके साथ काम कर रही है। हमारे साथ सेवा रूरल से जुड़ी है नसरीन, जो शारदा महिला विकास सोसाइटी सेवा रूरल की एक इकाई है, उसके साथ जुड़ी है। उनका साथ दे रही है नेहा। हम मैप में देख पा रहे हैं साथियों कि झगड़िया की लोकेशन गांधीनगर से काफी पास है, जो कि गुजरात की राजधानी है। हम फोटोग्राफ देख पा रहे हैं कि झगड़िया के गांव की स्थितियां हैं, यहाँ पे घर कैसे बने हुए हैं। यहाँ हम अगर स्वास्थ्य के आयामों पे बात करें तो टॉयलेट्स की स्थिति यहाँ पे कमजोर है और यहाँ पर काम करने की, सतत काम करने की जरूरत है, जो कर भी रही है। अगली फोटो में आप देखेंगे बाएं अपने थैले में
महावारी के बात को समेटते हुए रखते हुए दिखेंगी आपको, और अपनी दाई तरफ आप देख रहे हैं जो चित्र वो सेवा रूरल की एक शोध जो कि 2013 में हुआ था उसका एक चित्र है, जहाँ पे फलालिन से महावारी उत्पाद बनाने का बनाया जा रहा है। इसका लिंक आपको अपनी स्लाइड अपनी स्क्रीन पे भी दिख रहा है। अगली आप कुछ तस्वीरें हमारी स्कूल में, कम्युनिटी में एवं अन्य ट्रेनिंग जगह पे जागरूकता ट्रेनिंग्स एवं वर्कशॉप फोटोग्राफ्स हैं, महावारी के ऊपर काम किया जा रहा है उसकी। साथियों ये इंटरेस्टिंग बात है कि ये सेवा रूरल भी मेन इन मेंस्ट्रुएशन यानी कि पुरुषों की मुद्दों में भागीदारी के ऊपर काम कर रही है, और इसके चित्र और साक्ष्य आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। साथियों इन्होंने एक इनोवेशन किया है कि कार्ड्स पे मैसेजेस लिखना और उसको फ्लोट कराना, ये एक बड़ा अपने आप में एक मजेदार इनिशिएटिव है। आप अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि शारदा महिला विकास सोसाइटी द्वारा बनाए गए महावारी किट, मास्क और पीपी किट की फोटोग्राफ्स हैं। अब हम आमंत्रित करना चाहते हैं नसरीन को, और उनका साथ देने के लिए यहाँ भी हैं, तो आप दोनों को हम आमंत्रित करते हैं और आप बताएं कि महावारी से संबंधित आपने क्या क्या प्रयास किए, आपकी जर्नी कैसी रही और आपके क्षेत्र में महावारी के मुद्दे को किस तरह से देखा जाता है। तो नसरीन और डॉक्टर नेहा। नमस्ते, मेरा नाम नसरीन बेन मंसूरी है। मैं सेवा रूरल प्रेरित शारदा महिला विकास सोसाइटी गारमेंट विभाग में 15 साल से काम कर रही हूँ। अभी 3 साल से सुपरविजन का काम कर रही हूँ। हमारे यहाँ पे 2018 में मीटिंग हुई थी, उसमें हमको मेंस्ट्रुअल कप के बारे में बताया गया था। फिर हमको ट्रेनिंग दी गई कि मेंस्ट्रुअल कप को कैसे इससे यूज करें। हमने फिर मेंस्ट्रुअल कप को 100 रुपये में खरीदा था, जो तो ज्यादा दाम में मिलता है, पर सेवा रूरल संस्था के हिसाब से हमारे को 100 रुपये में मिला था। हम नौकरलायक बहन है, इसके लिए हमारे को हमको ये समय की और पैसे की बहुत बचत होती है। मेंस्ट्रुअल कप हमारे को ये मेंस्ट्रुअल कप है, हमारे को इसकी ट्रेनिंग दी गई है कि 7 o'clock में हमारे को बैठकर उसको रख दिया जाए, फिर उनका उपयोग हम कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरह से। और हम ये यूज करते हैं तब हम भूल भी जाते हैं कि हमने कप रखा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे पहले चूने कपड़े का इस्तेमाल करते थे, अब हम मेंस्ट्रुअल कप का उपयोग करते हैं। मैरिड बहने हैं, मेंस्ट्रुअल कप का उपयोग करते हैं, और जब किशोरियों की बात होती है तो वो हमारे फलालिन ऐसी रिश्ते हमने सिलाई किए हुए हैं, वो फलालिन का उपयोग कर रही है, जो लेडीज को बहुत आसानी से काम में आता है और अच्छी तरह से। और हम ऐसी किट भी मासिक स्वच्छता की किट बनाई है हमने, और उसमें साबुदानी, साबुन, ब्रश, क्लिप, ये सब चीजें का भी उपयोग करने का हमको सिखाया है। हम मकर संक्रांति का त्योहार हमारे यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग मनाते हैं, तो हम किशोर किशोरियों को मकर संक्रांति के पर्व पे काइट पे ऐसी मासिक स्वच्छता की जो बातें बताते हैं वो भी हम उनको उनके तक उन लोगों तक पहुंचाते हैं। और हमारे यहाँ पीयर एजुकेटर बहन है जो फलालिन पीस का वेचान करती हो और सब लोगों को कैसी रिश्ते उपयोग में लेने का वो सिखाती है। पर्यावरण के हिसाब से मेंस्ट्रुअल कप बहुत अच्छा है पर्यावरण के हिसाब से, जो कि वेस्ट कचरा ही नहीं होता, टॉयलेट में जाके खाली कर दो तो अच्छा रहता है। ये हम तो नौकरी करते हैं, इसके लिए 8 घंटे पूरे काम करना पड़ता है, तो वो मेंस्ट्रुअल कप हम 4-4 घंटे तक
पहन सकते हैं और फिर टॉयलेट में जाके खाली कर सकते हैं। सैनिटाइजर पेड़ आता है वो ज्यादा महंगा होता है, इसीलिए हम सब लोग बहने जात से ये फलालिन पीस का सिलाई करते हैं और फिर उसका बेचान करते हैं। हमारे यहाँ भी गामड़े के हिसाब से मान्यता ज्यादा है, जैसी रिश्ते के टाइम पीरियड में हो तो किचन में नहीं जाने का, रसोई नहीं करने का, मंदिर में नहीं जाने का, मस्जिद में नहीं जाने का, यहाँ तक कि अठाना और पापड़ भी नहीं बना सकते, ऐसी रिश्ते मान्यता हमारे यहाँ भी चल रही है। और दूसरा मकर संक्रांति जी, धन्यवाद नसरीन, आपने बहुत ही सरलता से और बहुत ही खूबसूरती से अपने द्वारा किए गए प्रयासों को हम सभी के साथ साझा किया। बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि आप महावारी के पूरे किट को हम तक साझा कर सके और खासकर कि वो काइट जिसमें मैसेज लिखे थे, ये एक अपने आप में एक नवीन इनोवेशन है जिसको हमारे अन्य साथी जो हमें हमारी इस प्रेजेंटेशन को देख पा रहे हैं शायद वो भी इसे अडाप्ट करना चाहें। धन्यवाद नसीर आपका एक बार और, आपने हमें यह भी बताया कि आपके क्षेत्र में महावारी के मुद्दों को किस तरह से देखा जा रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अब हम गुजरात के ही एक और संस्था है जिनका नाम है CSPC, उनकी तरफ बढ़ते हैं और उनको आमंत्रित करते हैं। उनकी तरफ से हमारे साथ चार साथी जुड़े हैं, जयश्री पटेल, वर्षा बेन ठक्कर, भक्ति साखला, तारा बेन पटेल, आप सभी का स्वागत। आपकी परिचय में मैं आपको बताना चाहूंगी, CSPC यानी कि कोस्टल सेलिनिटी प्रिवेंशन सेल गुजरात के तटीय क्षेत्र जिले में काम करने वाले टाटा ट्रस्ट का एक सहयोगी संगठन है। आपके कार्य के मुख्य क्षेत्र जल और स्वच्छता, कृषि और आजीविका और शिक्षा जैसे मुद्दे इसमें शामिल है। के एक भाग के रूप में CSPC ने पिछले 2 वर्षों से महावारी स्वच्छता प्रबंधन के क्षेत्र में काम करना शुरू किया और वर्तमान में CSPC 155 गांवों में महावारी कार्यक्रम पे काम कर रहे हैं। आप देख पाएंगे कि CSPC मांडवा में स्थित है जो आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा है। नानी विरानी गांव से हमारे साथ साथी जुड़े हुए हैं जिसके चित्र आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। साथियों ये कुछ चित्र हैं जो वहां पे की जा रही महिला बैठक और सामुदायिक बैठक जो CSPC द्वारा की गई है उनके चित्र। पैड सिलाई वर्कशॉप के कुछ चित्र आपके सामने प्रस्तुत हैं जिसमें महिलाओं को कॉटन से निर्मित पैड्स सिखाए जा रहे हैं। साथ ही कपल काउंसलिंग के तहत पुरुषों के की महावारी के मुद्दों पे भागीदारी के लिए एक बैठक जिसकी फोटो आपके सामने प्रस्तुत है। अब साथियों बिना विलंब करे मैं आपके सामने जयश्री बेन पटेल, वर्षा बेन ठक्कर, भक्ति साखला और तारा बेन पटेल को आमंत्रित करना चाहती हूँ जो हमको बताएंगे कि CSPC क्षेत्रों में महावारी से संबंधित मुद्दे पे वे किस तरह से काम कर रहे हैं और वहां महावारी को किस तरह से किस दृष्टि से देखा जाता है। CSPC साथियों आपका स्वागत। जी थैंक यू, लेकिन पायल हमारा वीडियो मेरे ख्याल से अभी भी नहीं दिख रहा है। जी नहीं दिख रहा है। तो कैसे करें, सिर्फ बोल के ये बताएं कि कैसे जी, करें? आप बोल दें और हम आपकी ही फोटोज जो है आपके क्षेत्र की वो हाँ। हम साथ ही साथ चलाते चलेंगे। ठीक है तो सबसे पहले मैं जयश्री बेन को बोलूंगी कि वो CSPC के बारे में या महावारी के बारे में उनके जो अनुभव रहे वो हमारे साथ शेयर करें। जयश्री बेन नमस्कार, मैं जयश्री पटेल नानी वीरान से बात कर रही हूँ। CSPC संस्था पहले हमारे गांव में वोटर
प्रोग्राम में आया था इधर लेके, तो वो उसमें भी मैं शिविर में भाग लिया था। बाद में वो ये नया सब्जेक्ट लेके आया तो मैंने सोचा कि कुछ नया है तो करते हैं, तो फिर हम सब उसमें ज्वाइन हुए और सभी गांव की महिलाओं को भी ज्वाइन किया और ग्रुप बनाया और तालीम लिया हमने। उसमें हमने बहुत कुछ सीखा। पहले तो ये हम ये मासिक का जो ब्लड है उसको हम पहले वो गंदा या खराब ऐसे समझते थे, बाद में ये जब तालीम लिया तभी हमें सीखने को मिला कि ये ब्लड है वो गंदा नहीं है, लेकिन वो हम वो बच्चे का पोषण के लिए है। बाद में उससे हमने बहुत कुछ सीखा है। जो ऐसी मान्यताएं भी थी कि तुलसी के पौधे को नहीं छूना चाहिए, वो अचार को नहीं छूना चाहिए, वो वो तो ये सब हमने उसमें सीखा है और ये सब मान्यता है ऐसा हमने सीखा। और बाद में हमने पेड़ बनाना भी सिखाया है, तो हम उसमें मैं ऐसा पेड़ भी बनाती हूँ और हम घर में भी यूज करते हैं, और कोई हमें बोलता है कि भाई बना के दो तो हम मैं उसको बना के भी देती हूँ। और हाँ, और हम वो क्या है कि और भी महिलाओं के साथ भी हम खुल के चर्चा भी कर सकते हैं और मर्दों के साथ भी चर्चा कर सकते हैं, ऐसे हम सबके साथ खुल के बात कर सकते हैं, किशोरियों के साथ भी बात कर सकते हैं, स्कूल के बच्चियों के लिए साथ भी बात कर सकते हैं, ऐसे खुल के उसको समझा सकते हैं। ऐसे पहले हम नहीं समझा सकते थे, अभी ये तालीम लिया है उसके बाद में हम सब उसके साथ खुल के बात करके समझा सकते हैं। थैंक यू जयश्री। अभी मैं वर्षा बहन को बोलूंगी कि वो अपने अनुभव जो है वो शेयर करें हमारे साथ। नमस्ते, ठक्कर वर्षा बेन दीपकभाई बोलू छू, पाटी तालुका માં આવેલું નાનવીડાણી કામ થી બોલું છું, અને આ સીએસપીસી સંસ્થા માં જોડાયા પછી મને ઘણું બધું જાણવા મળ્યું। આજથી સુધી અમને ખબર નથી કે એમસી નું લોહી ખરાબ સારું કહેવાય, આટલા દિવસ અમે એ જ સમજતા હતા કે આનું લોહી ખરાબ છે, પણ જયારે અમે આ સંસ્થા માં જોડાણા અમને તાલીમ મળી ત્યારે અમને બધી આ જાણ મળી કે આ બધું શું છે, અને આટલા દિવસ અમે ઘરમાં પાળતા હતા, અમારી છોકરીઓ પણ અમારાથી ખુલ્લાથી વાત નથી કરી શકતી, પણ જયારે એ પણ આ તાલીમમાં જોડાણું ત્યારે મારાથી એના પપ્પાથી બધાથી ખુલ્લા આમથી વાત કરી શકે છે કે અમે એમસીમાં આવ્યા છીએ, હવે અમને શું કરવું, અમે સ્કૂલ જતા ત્યારે પણ અમે કહેતા ડરતા, પણ હવે ખબર પડી કે આ બધું આપણે મમ્મી પપ્પાની વાત આ બધી શેર કરવી જોઈએ। મારા હસબન્ડ પણ આમાં જોડાણા પછી ઘણું એને પરિવર્તન આવી ગયું, અમારા ઘરમાં અમે પાળતા હતા, અથાણાને નડતા હડતા, તુલસીને નડતા હડતા, પણ જયારે એ પણ તાલીમમાં જોડાણા ત્યારે એમને પણ અનુભવ થયો કે ખરેખર આ માનસિકતા ખોટી છે અને આ બધું ન કરવું જોઈએ, પાડવાનું ને અથાણાને ન અડવાનું, તુલસીને ન અડવાનું। એ જયારે તાલીમમાં જોડાણા ત્યારે અમને પણ આમ બિંદાસથી રજા મળી ગઈ કે જાઓ તમે આ તાલીમમાં। અમે પહેલી વખત જયારે આ તાલીમમાં જોડાણા ત્યારે અમને ઘરે પરમિશન પણ નથી મળતી કે આવી મિટિંગમાં ન જવાય એમ કહેતા અમને, પણ જયારે અમે આના તાલીમમાં જોડાણા ચાર વખત અમે જયારે જોડાણા ત્યારે અમને ખબર પડી કે આ બધી વસ્તુ શું છે। જયારે બી છોકરીઓ ટાઈમમાં થતી ત્યારે એનું પેટ વધારે દુખતું તો અમે ઘરે એને ગોળીઓથી આપી દેતા, પણ જયારે આ તાલીમમાં અમને જાણવા મળ્યું ત્યારે અમે હવે રેતીનો ચેક કરીએ છીએ, પાણીનો ચેક કરીએ છીએ, અને સ્કૂલમાં બી જાતી ત્યારે ટીચરથી પણ વાત નથી કરી શકતી, હવે જયારે એ તાલીમમાં જયારે આ બધી ચર્ચા એમને સાંભળી ત્યારે ઘરે પણ વાત ખુલ્લીથી કરી શકે છે, અને સ્કૂલમાં પણ ટીચરને બિંદાસથી કહી શકે છે બેન અમે એમસીમાં ત્યાં છીએ તો અમને પેડ આપો, ત્યારે પેલા એ શરમાતી હતી છોકરીઓ। અને જયારે જયશ્રીબેન આ પેડ બનાવે છે ત્યારે એના પાસેથી જ હું લઈ એ બનાવી આપે છે મને અને હું વેચું છું ઘરે, અને જે પણ બહેનોને જોઈએ છીએ અને આપીએ છીએ। અને અમે આ તાલીમમાં જોડાયા પછી પણ ચાર તાલીમ લઈ લીધી પછી એવું નહીં કે હવે અમે ભૂલી ગયા, ફરી બીજી વખત ચાર તાલીમ થતી હતી ત્યારે પણ અમે મેસેજથી ગ્રુપ બનાવી લેતા અને બધી બહેનોને જાણ કરતા કે ના આમાં જાઓ તમે બધા નતા જોડાતા, એમને પણ અમે ઉભા કર્યા અને ઘરે ઘરે અમે વાત કરી કે બેન આ બધી વસ્તુ સારી છે તમે સમજો, અને આમ નામ આપણે પાછળ રહી જશું, એના કરતા આમાં ભાગ લો તો તમને જાણવા મળશે કે હકીકત શું છે। એટલે બધી બહેનોને અમે જોડી અને ગ્રુપ બનાવ્યું અને ઘર ઘર અમે વાત કરી કે જો, અને આજ પણ અમે બિંદાસથી ઘરેથી રજા મળી ગઈ છે કે જાઓ તમે એમ આ તાલીમમાં જોડાઓ। થેન્ક યુ। હવે અભી મેં ભક્તિ કો બોલુંગી કે વો ભી જો ઉનકા અનુભવ રહા હે વો હમારે સાથ શેર કરે। નમસ્કાર, મેરા નામ ભક્તિ ચાકલા હે,
मैं मांडवी तालुका में आने वाला गांव गठेसा गिरानी वहां से बोल रही हूँ। मैं सीएसपीसी संस्था की जब तालीम दे रहे थे उसमें मैंने तालीम ली, तभी मेरे को पता चला पीरियड के बाद हम सब पीरियड को जानते हैं, लेकिन उसको हम जब खुलके बात करते तभी उसका क्या होता है डीपली चर्चा करते तभी हमको उसकी पूरी जानकारी मिलती है। जब मैंने इसमें तालीम ली थी तब मुझे पता चला कि मैं तो इसको कितना गलत समझ रही थी। पहले तो हम वही ब्लड को ही गलत समझ रहे थे, लेकिन अब पता चला कि वो ब्लड खराब नहीं है, लेकिन घर में जो बच्चा होता है उसके पोषण के लिए होता है। ये सारी बातें जो हम घर पे भी नहीं बोल सकते, मम्मी से बात नहीं कर सकते, पापा से बात नहीं कर सकते, आज वो सब मैं बात खुलकर बोल सकती हूँ, अपने भाई से बोल सकती हूँ कि मुझे पीरियड्स के दौरान ये तकलीफ होती है, मुझे काम नहीं होता या कोई भी तकलीफ होती है वो मैं खुलकर बता सकती हूँ। और मैं अपने फ्रेंड्स के बीच भी मेरी कोई कुछ फ्रेंड्स है, हम पहले भी इतनी डीपली बात चर्चा नहीं कर रहे थे कि क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन अब इस तालीम की वजह से मैंने जब तालीम ली तो मुझमें खुद में एक कॉन्फिडेंस आ गया, मैं सबको खुलकर बता सकती हूँ। और मैं तो यह कहना चाहूंगी कि जब बच्चियां 12 साल की हो जाती है तब उन्हें पता नहीं होता है कि पीरियड्स क्या होता है और क्या नहीं होता है, वो डरती है, पहली बार तो सब डर जाते, मैं भी डर रही थी, मुझे आज पता चला है। लेकिन बच्चियों को पहले से इसकी तालीम दी जाए तो उनके लिए सबसे अच्छा होता है, क्योंकि वो पहले से ही उतनी अच्छी तरह से ये सब चीजों को सहने के लिए तैयार हो जाती है, तो बहुत अच्छा रहता है। और तालीम ले लेती हो तो फिर उनको दूसरों से बात करना प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं तो यही कहूंगी कि बच्चों को पहले से इनकी तालीम दी जाए तो बहुत अच्छा है उनके लिए भी, और बाहर जाते परेशानी झेलनी नहीं पड़ती, जितनी मैंने झेली उतनी उनको झेलनी ना पड़े। मैं तो यही चाहूंगी कि उनको बचपन से तालीम दी जाए, बस यही कहना चाहूंगी। और उनसे मुझे बहुत फायदा हुआ है और यही सही तालीम सबको मिले, हम एक एक तालीम ले और दिन को समझाए ऐसा करे तो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू, धन्यवाद, आभार। तरला बेन को मैं बोलूंगी कि वो भी अपने जो एक्सपीरियंस है वो हमारे साथ शेयर करें। जी, बस आपके पास एक मिनट का समय बचा है तो आप इसको समेकित करते हुए अपनी बात को रख सकते हैं। जी ठीक है, तरला बेन, हाँ गुजराती में चले। મારું નામ સરલાબેન છે, મેં આ તાલીમ લીધા પછી એમ જાણવા મળ્યું કે આ છોકરી સાથે હસબન્ડ સાથે સારી રીતે વાતચીત કરી શકું છું। आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है तो कृपया जोर से बोले ताकि हम सभी आपको सुन सके। सरलाबेन थोड़ा मोटे थी बोलो। મારું નામ સરલાબેન છે, આ તાલીમ લીધા પછી બધું જાણવા મળ્યું છે કે મારી છોકરીઓ સાથે મારા હસબન્ડ સાથે બધી વાતચીત કરી શકું છું। જી થેન્ક યુ તરલાબેન। पायल, ओवरऑल तो हमने हर राज्य की जो बात सुनी वैसे ही एक्सपीरियंस जो है वो हमारे यहाँ की महिलाओं के भी रहे हैं। खासकर जो बात है कि ये अब एक मतलब अंदर से एक स्वीकार आने लगा है कि हमको बच्चियों के साथ शुरू से बात करनी चाहिए। जो कॉटन पेड जो हमको स्मृति बेन ने जतन से ही सिखाया था कि कैसे उसको सिलाई करना है, तो यहाँ की महिलाएं जो है उन्होंने उसे अच्छे से सीख लिया है और वो भी अपने घर की महिलाओं को और महिलाओं को वो सिलाना कैसे सिलाई करना है वो भी सिखा रहे हैं और कॉटन पेड यूज करने में भी उनको काफी अच्छा लग रहा है। बाकी एक्सपीरियंस जो है वो काफी हर जगह के जैसे हम बताएं कि एक जैसे ही आ रहे हैं। और बदलाव में अगर बात करें तो हर जगह यही बात होती है कि एक तो ये थोड़ा थोड़ा स्वीकार होना शुरू हुआ है कि ये महावारी जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है, कुदरती प्रक्रिया है, तो इसी कुदरती प्रक्रिया को हमें धर्म के साथ भले हम अपने आराम के लिए या अपने जो कंफर्ट के लिए कर सकते हैं लेकिन उसको मतलब धार्मिकता से इस हद तक ना जोड़ें कि महावारी को आगे पीछे करने के लिए जो गोलियां लेती हैं महिलाएं, जैसे कोई धार्मिक प्रसंग हुआ तो उनको लग रहा है कि भाई आगे पीछे करने के लिए वो गोलियां लेती हैं, तो वो काफी हद तक हम ये बोल सकते हैं कि थोड़ी समझ जो है वो महिलाओं के साथ जो है वो हम कर पाए हैं कि वो अगर नहीं जाना चाहते हैं तो बिल्कुल ना जुड़े। अगर उनको लगता है कि उन दिनों उनको आराम करना है तो ये उनका खुद का निर्णय होगा, लेकिन कम से कम महावारी जो है वो हमारी जो कुदरती प्रक्रिया है उसको हम
आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बोली कि हम आवारी के मुद्दे पे इतना बोलना शुरू करेंगे और कम उम्र से बोलना शुरू करेंगे, किशोरियों को, महिलाओं को, पुरुषों को, सभी को इसमें शामिल करेंगे, ये एक अच्छी रणनीति हो सकती है। आपकी प्रेजेंटेशन से हमने सीखा कि किस तरह से हमारी इन चारों महिलाओं ने अपने परिवार में और अपने आसपास बात करना शुरू किया, खास करके पुरुषों के साथ भी। धन्यवाद टीम आपका। अब हम अपना रुख करते हैं राजस्थान की तरफ और राजस्थान से हमारे साथ सुमन साखला जुड़ी हैं। ये एक किशोरी है और सहाड़ा में, जो कि भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहां से ये हमारे साथ जुड़ी हैं। तो साथियों, परिचय देते हुए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जतन संस्थान 2001 से राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में काम कर रहा है और आप स्क्रीन पे भी देख पाएंगे कि हम आज के क्षेत्र, आज की प्रेजेंटेशन में हमारे साथ सहाड़ा भीलवाड़ा से जो किशोरी जुड़ी है वो कहाँ पे स्थित है। साथियों, भीलवाड़ा जो है कोरोना काल में एकदम से मॉडल की तरह से भी उभरा था, तो आप इसको ऐसे भी जोड़ करके देख सकते हैं। एक आम दिन में खाकला गांव जहां से इस हम देखेंगे कि रोड्स पे, सड़कों पे बिल्कुल सन्नाटा होता है और बहुत कम लोग ही बाहर निकलते हैं। शाम को और रात, शाम को और 7-8 बजे के आसपास चहल पहल सबसे अधिक होती है। ये कुछ दृश्य हैं जहां पे सुमन अपने स्कूल में, ट्रेनिंग में और अपने किशोरी समूहों में महावारी से संबंधित और जीवन कौशल से संबंधित सत्र ले रही हैं। सुमन 17 साल की किशोरी है। बिना विलंब करते हुए हम सीधे सुमन की तरफ बढ़ते हैं, तो हमें बताएंगी कि जतन संस्थान के साथ किशोरी समूहों में वो किस तरह से महावारी के मुद्दों को रखती हैं और उन्होंने महावारी के मुद्दों पे अपनी समझ कैसे बनाई और उनको इस मुद्दे पे बात करना कैसा लगता है। तो हम सुमन को आमंत्रित करते हैं। सुमन, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। सभी को नमस्ते। मेरा नाम सुमन सालवी है। मैं राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के सहाड़ा ब्लॉक के ग्राम आमली पंचायत से हूँ। मैं एक जो जतन संस्थान है उसमें किशोरी के रूप में हूँ और मैं इसके प्रति, इसके तहत जो किशोरी सशक्तिकरण है उसमें जो कार्यक्रम चलाया जाता है उसमें माहवारी, स्वच्छ माहवारी के बारे में जो हमें बताया जाता है उसके साथ मैं काम करती हूँ। तो हमारे जो ये मतलब जो हमारा जो ये जतन संस्थान है उसमें हम लोग स्टार्टिंग से, जब मैं समथिंग 13-14 साल की थी, जब मुझे भी इतना पता नहीं था कि इस महावारी होती क्या है, क्यों आती है, इसके पीछे रीजन क्या है, वो मुझे नहीं पता था। पर जब ये जतन संस्थान से हमारे मैम, हम लोगों को इस संस्था के साथ जोड़ा, उसके बाद हमारे वहां पे सेशंस हुए जिसमें हमें ये बताया गया था कि महावारी क्या होती है और आती क्यों है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों को अभी भी नहीं पता होता है कि ये होता क्यों है। सब इसको एक अलग नजरिए से देखते हैं कि ये अलग है, वो किस रीजन से आती है वो नहीं पता। इसके तहत हमें ये बताया गया था कि महावारी क्यों आती है और कैसे आती है। इसी के साथ जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में महावारियों से जुड़ी बहुत सारी भ्रांतियां होती है, जैसे कि सब लोगों ने बोला कि खेतों में जाने से उनकी जड़ें सूख जाती है, या फिर अचार को छूने से वो अचार खराब हो जाता है, या फिर किचन में नहीं जा सकते, सुबह जल्दी उठ के सबसे पहले नहाना होता है और नहीं नहाओगे तो ये कहीं और मतलब किसी चीज को छू नहीं सकते, ये सारी भ्रांतियां थी। हालांकि आज भी है, पर जब से हम इस जतन संस्थान से जुड़े हैं हम लोगों ने इन सबको हमारे घर में से, मतलब जो ये सब जो चीजें होती है मैंने हमारे घर में से बिल्कुल हटा दी है। मैं हर चीज करती हूँ, मैं पीरियड्स में जल्दी भी नींद आती हूँ, मतलब सुबह उठ के ठंड का टाइम हो या कहीं भी हो मैं इतना सुबह जल्दी उठ के नहाती नहीं हूँ, मैं अचार को भी छूती हूँ, मैं दीपक अगरबत्ती सब कुछ करती हूँ, मंदिर भी जाती हूँ और जो पेड़ पौधे हैं उनको भी छूती हूँ। और मैंने ये सब करके देखा है, और पहले जो मतलब मानसिकता है पुराने लोगों की कि ऐसा होता है, हम लोगों ने ट्राई किया पर ऐसा कुछ नहीं है। और मेरे घर वाले भी मेरे को कुछ नहीं बोलते हैं अभी, उनको भी इस चीज का पता चल गया है। तो मेरे घर में तो ये, हालांकि ग्रामीण क्षेत्र में आज भी बहुत सारी ऐसी औरतें और लड़कियां हैं जो इस चीज के बारे में बात नहीं कर सकती है। और हम लोग हैं
और जो चीज हमें जतन संस्थान के द्वारा सेशंस में हमें बताई जाती है, मैं उनको दूसरी जो हमारी किशोरियां हैं उनको बताती हूँ। इसी के साथ हमें ये भी बताया जाता है कि किशोरियों को महावारी के समय किस प्रकार की स्वच्छता रखनी चाहिए, किस प्रकार का कपड़ा यूज करना चाहिए। इसमें इसमें ये है कि हमें जो रेड कपड़ा होता है वो फलालीन टाइप का रेड कपड़ा होता है वो यूज नहीं करना चाहिए, बल्कि लाइट कलर का व्हाइट या दूसरा यूज करना चाहिए, ताकि हमें ये पता चले कि हमारी जो बॉडी से जो खून निकल रहा है वो रेड है या उसका कोई अलग कलर है। क्योंकि कभी कभार बहुत सारे इन्फेक्शन की वजह से दूसरा ब्लड में कुछ और रंग भी निकल रहा हो पर हम रेड कपड़े की वजह से हमें पता भी नहीं चलता है। इसी के तहत हमें जतन संस्थान से उगेर के जो होते हैं कपड़े उनमें उनको भी हमें बनाना सिखाया गया था और आज वो बहुत ही अच्छा है बॉडी के लिए भी और पीरियड्स के टाइम के लिए भी वो बहुत अच्छा है। और ग्रामीण क्षेत्र में ये बात होती नहीं है और इसमें हमारी समझ इतनी अच्छी बनी है कि आज मैं जो मतलब मैं खुद भी ये चीज नहीं समझ पाती थी कि ये चीज है क्या, वो चीज आज मैं खुद समझती भी हूँ और मैं अपनी जतन संस्थान या अपने ग्रामीण क्षेत्र पर मेरे जो किशोरियां हैं उन सबके साथ मैं इस चीज को सेशन भी करती हूँ। वो लड़कियां भी आज बहुत अपनी सोच को दूसरों को दे रही है, उनको समझा रही है। मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ कि हमारे जो महावारी का समय है वो हमारा शरीर है तो हमारे ही अधिकार है उस पर, तो हमें हमारे महावारी के समय अच्छी स्वच्छता रखनी चाहिए और बस इन सब चीजों को भूल के बस अपना सोच के कि ये चीज कोई अभिशाप नहीं है, ये एक वरदान है प्रकृति के रूप में हमें दिया गया है, तो हमें बस इस प्रकार हमें स्वच्छता रखनी चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद सुमन आपका, और आपने इतनी मासूमियत से अपनी सारी बातें रख दी कि आपकी उम्र की लड़कियां भीलवाड़ा में किन किन तरह से गुजरती, किस किस बातों को सुनती हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा हम सभी को ये जानकर के कि आपका जो किशोरी समूह है वो इन मुद्दों को बहुत ही स्ट्रांगली केटर कर रहा है, बहुत स्ट्रांगली इसको चला रहा है। तो थैंक यू सो मच सुमन अपनी बात रखने के लिए। साथियों आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा हम सबके लिए। एक तो हम सीधे सीधे ये बात देख पा रहे हैं कि चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे राजस्थान हो या गुजरात हो, हम हर जगह देख रहे हैं कि महिलाएं और किशोरियां इस मुद्दे पे बात करने के लिए स्ट्रगल कर रही हैं, पुरुषों की भागीदारी को इसमें लाने की कोशिश कर रही हैं। हम ये देख रहे हैं कि भ्रांतियां इस तरह से फैली हैं कि अलग अलग परिप्रेक्ष्य में अलग अलग भ्रांति हमारे सामने उभर आती है और सतत प्रयासों के द्वारा ही ये भ्रांतियां धीरे धीरे जा भी रही हैं। साथियों एक और चीज के लिए आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अभी तक के हमारे दोनों एपिसोड में हमने बहुत तरह तरह के उत्पादों के बारे में देखा, लेकिन ये पहला एपिसोड है जिसमें मेंस्ट्रुअल कप के ऊपर संस्थाएं जो काम कर रही हैं उसके ऊपर रोशनी गई। मैं समझ सकती हूँ कि आप सभी के पास बहुत सारे सवाल अपने दिमाग में होंगे। हम चैट्स पे लगातार बने हुए हैं और हम देख पा रहे हैं कि कुछ साथी हमारे सवाल पूछना भी चाहते हैं। तो अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ लक्ष्मी जी को और स्मृति जी को, जो हमारे सारे जो भी सवाल हैं, जो भी प्रश्न हैं, हमारे सुझाव या फिर प्रतिक्रियाएं हैं, उन सभी के को आपके साथ साझा करेंगे और लक्ष्मी जी और स्मृति जी कोशिश करेंगे आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए। तो बहुत बहुत स्वागत स्मृति जी और लक्ष्मी जी। किसी के कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं आप चाहें तो अपने सवाल चैट के माध्यम से या फिर हैंड रेस करके भी पूछ सकते हैं। और क्योंकि आज हम समय सीमा के अनुरूप चल रहे हैं तो ये हमारे पास एडवांटेज है, तो ये हम आपको इनवाइट कर लें और आप लाइव भी सवाल पूछे और स्मृति जी और लक्ष्मी जी देंगे। जब तक बाकियों के सवाल आते हैं, मेरा एक सवाल है जो मैं पूछना चाहूंगी सेवा रूरल से और उड़ीसा की टीम से, कप्स जिन्होंने मेंस्ट्रुअल कप्स के ऊपर काफी काम किया है और अपनी कम्युनिटी में प्रमोट कर रहे हैं,
तो थोड़ा बहुत आप हमें बताइए कि कैसे आपने मेंस्ट्रुअल कप्स को कन्विंस किया लोगों को यूज करने के लिए, और क्या लोग इसको पसंद कर रहे हैं, किस किस्म की दिक्कतें आ रही हैं आपको वहां पर। नसरीन जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके, नसरीन जी आप अपने आप को अनम्यूट करके जवाब दीजिए। और दार्जिलिंग प्रेरणा, हाँ, मेंस्ट्रुअल कप, आपकी आवाज नहीं आ रही है नसरीन जी। हाँ, जो मेंस्ट्रुअल कप है उनको हम रेसिरिस से कनेक्ट सी फोल्ड में करके वो जो टॉयलेट के पोजीशन में बैठ के उनको लगा ले लेते हैं, यूज करते हैं उनको। ओके, टॉयलेट की पोजीशन में बैठ के इस्तेमाल करना आप बताते हैं, ऐसे समझाते हैं उनको। शुरू में किस तरह का डर लगा लोगों को, कैसे इसको मैनेज किया, डर को आपने कैसे मैनेज किया? शुरू में तो मेरी आवाज आई। हाँ, आवाज आई, आई थी मेरी आवाज। एक मिनट, वापस से बोलना, क्योंकि हम जानना चाह रहे थे कि लोग डरते हैं इससे, है ना। हाँ, तो इस उस लोगों को डर आपने कैसे मैनेज किया? नहीं, पहले हमने यूज किया, फिर बाद में हम दूसरों को बता सकते हैं ना, कि दूसरों का डर फिर बाद में हम निकाल सके ना, इसीलिए हमने यूज किया, जैसे फिर बताया। हमारे साथ किशोरिया भी है और ज्यादातर महिलाएं भी काम करती है, हम गारमेंट का काम करते हैं इसके लिए, तो महिलाओं को हमने दिखाया, फिर यूज करने का दिखाया, हमने ट्राई किया, तो हमको उन लोगों को भी ऐसा लगा कि नहीं, अच्छा है यूज करने का, इसीलिए इसी तरह से वो उपयोग में लिया उसको हमने। थैंक यू नसरीन जी। 4 घंटे तक तो मेकअप। एक्सक्यूज मी मैम, मेरी तरफ से एक क्वेश्चन है आपके लिए। मैं दार्जिलिंग प्रेरणा से हूँ। वो जो अनमैरिड वो बच्चियां है, उसको वो दर्द नहीं होता है? वो बच्चिया एक, वो 16 इयर्स का एक छोटी सी बच्ची थी, तो उसको उसने खरीदा था, वो स्मॉल साइज का ही लिया था उसने, तो उसने बोला कि उसको पेन हुआ जब वो फोल्ड करके यूज किया। मैंने उसको सही तरीका से बताया कि मैं कैसे यूज करती हूँ, वो उसको बताया। तो मैं तो मैरिड हूँ, लेकिन वो तो अनमैरिड है, तो उसने बोला कि उसको थोड़ा पेन हुआ, वो कैसे मैनेज हो सकता है? इस सवाल का मैं जवाब देती हूँ। दरअसल हमारा एक रूरल ट्राइबल एरिया है, ग्रामीण आदिवासी इलाका, तो यहाँ पे दरअसल अपनी ही मान्यताएं है, मिथ्स है, टैबूज है, तो दरअसल जो अनमैरिड एडोलेसेंट्स है उनके लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे उसको वर्जिनिटी के साथ लिंक किया जाता है, तो वो इतना रेडिली एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बट हमारे पास कुछ पीयर एजुकेटर्स है जिनको हमने एजुकेट किया है, उस बारे में समझाया है, हालांकि नंबर काफी कम है, बट हमारी तरफ से प्रयास जारी है कि हम अनमैरिड लोगों को भी इसमें शामिल करें, और वो भी ज्यादा से ज्यादा मेंस्ट्रुअल कप का उपयोग करें। बट इस अभी मौजूदा स्थिति में ऐसा है कि जो कप्स है वो मैरिड वुमेन की तरफ से उनका रिस्पॉन्स काफी अच्छा है, हाँ, लेकिन अनमैरिड जो बच्चे या बच्चियां है उनको कन्विंस करने में हमें थोड़ी मुश्किल जा रही है, और वो हमारे लिए भी काफी चैलेंजिंग। उसने खरीदा और यूज करने के लिए ट्राई भी किया, लेकिन थोड़ा पेनफुल हुआ, इसीलिए वो मुझे क्वेश्चन पूछ रहा था, तो इसीलिए आपके साथ ये क्वेश्चन है कि साइज का भी इशू, क्योंकि मेंस्ट्रुअल कप अलग अलग साइज में अवेलेबल होता है, और ब्रांड के अकॉर्डिंग भी उसमें साइजेस में डिफरेंस है। जैसे हम जो प्रमोट कर रहे हैं या हम जो अपने एरिया में बताते हैं वो एवर कप है, जो की FDA रजिस्टर्ड है और US-based कंपनी है, तो ये 3 साइज में अवेलेबल होता है, स्मॉल, मिड एंड लार्ज।
तो स्मॉल जो है वो अनमैरिड लोगों के लिए सजेस्ट किया जाता है, जो मिड है इट इज फॉर जिनकी अभी प्रेगनेंसी नहीं हुई है, डिलीवरी नहीं हुई है, एंड जो बिग साइज है, लार्ज साइज है, दैट इज फॉर फीमेल्स या मेंस्ट्रुएटर्स जिनका प्रेगनेंसी हो गई है. सो बेस्ड अपॉन दी सर्विक्स का जो लेंथ होता है उसके बेसिस पे मेंस्ट्रुअल कप को एडवाइस किया जाता है. तो जब हमारा साइज जो है वो थोड़ा छोटा बड़ा होता है तो ये पेन होने की और ऐसी समस्याएं आ सकती है. ओके थैंक यू. और कोई सवाल आपके? जी मेरा मेरा एक सवाल था कि गांव में रनिंग वाटर तो नहीं होता है, स्टोर्ड पानी होता है सब जगह. लोग ड्रम में स्टोर करते हैं, लोहे का ड्रम में स्टोर करते हैं, प्लास्टिक का बाल्टियों में स्टोर करते हैं. तो कभी कभी हमें डर लगता है कि उस पानी से कुछ कुछ और कॉम्प्लिकेशन नहीं हो जाए मेंस्ट्रुअल कप जब धोते हैं. तो इसके बारे में थोड़ा आप बताएंगे सेवा गुजरात टीम? हाँ जी हाँ, हम लोग पानी को गर्म करते हैं और फिर उसको इस कवर में डाल के फिर बॉइल करके यूज करते हैं गर्म पानी. जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं ये जो कप है ये केस के साथ आता है. सो इट हैज अ केस एंड अ कप. सो जो कप है इसमें ल्यूकवॉर्म वाटर लेकर हम इसमें प्लेस करते हैं और उसके थ्रू रिंस करके फिर कप को वॉश किया जाता है. तो इसमें अलग से हमें कोई कंटेनर लेने की भी जरूरत नहीं है. दिस इज लाइक वेरी हैंडी, यू कैन टेक इट एनीवेयर एंड वॉश इट अकॉर्डिंगली. नहीं ये जो ये कंटेनर मिलता कहाँ है? मैम एक्चुअली दिस कम्स विद द मेंस्ट्रुअल कप. मेंस्ट्रुअल कप के साथ ही कप एज वेल एज केस दोनों अवेलेबल है. ये जो कंटेनर आप देख पा रहे हैं दिस इज द केस. इसमें आप वाटर फिल करके यू कैन वॉश इट एंड देन व्हेन यू आर नॉट यूजिंग इट यू कैन कीप इट इनसाइड लाइक क्लोज इट एंड कीप. आप इस कप में गर्म पानी डालते हैं उसको धोते हैं और फिर दोनों को एक साथ स्टोर करते हैं. हाँ जी ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि कई कप्स के साथ ये केस नहीं आता है. हाँ जी मैम इसीलिए हम खुद आई थिंक ये राजसी भी अग्री करेगी कि हमारे इतने सालों में बहुत सारे साथियां हैं जो कप्स इस्तेमाल कर रहे हैं पिछले 10 सालों से, लेकिन कई लड़कियां सिर्फ सिंपली उसको लड़कियां औरतें सिंपली उसको रिंस कर लेती है रनिंग वाटर में. और बहुत सारे ऐसे भी शेयर करते हैं कि गर्म पानी से कोई ऐसा जरूरत नहीं है, वैसे ही हम अच्छी तरह से रिंस करके पहन ले तो कुछ उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है. तो ये भी हम सुनते हैं लेकिन मेरा यही हमेशा रहता है कि अगर पानी वही जो मैं कह रही हूँ 3-4 रोज का पानी से अगर हम इसको वॉश करें तो कैसा है. आपने जवाब तो दे दिया है कि गर्म पानी से हम इसको अच्छी तरह से धो सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. कप का ये जो कंटेनर वाली बात हमने भी पहली बार देखी क्योंकि हमको मालूम नहीं था कि कंटेनर भी ऐसे मिलता है. विदेश में जरूर मैंने देखा था लेकिन इंडिया के अंदर ये मिलता है ये मैं पहली बार देख रही हूँ. तो हमारे लिए एक बहुत अच्छी जानकारी हो गई. सेवा रूरल थैंक यू वेरी मच फॉर दिस. इट वॉज रियली इम्पोर्टेंट लर्निंग फॉर अस. कोई और क्वेश्चन है क्या? राजसी कह रही है कि क्वालिटी ऑफ वाटर पे डिपेंड करता है. हाँ ये तो हम बिल्कुल अंडरस्टैंड करते हैं. बॉइलिंग का है ना, बॉइलिंग का जरूरत इतना नहीं है ऐसे कह रही है. आई थिंक आई ऑल्सो अग्री. फ्लेनल के कपड़े को इस्तेमाल करने पर किस प्रकार की दिक्कतें आती हैं? सवाल है फ्लेनल के कपड़े को इस्तेमाल करने में क्या क्या दिक्कतें आती हैं? तो ये सवाल कौन लेना चाहेगा स्पीकर्स में से? हम भी बता सकते हैं हमारे एक्सपीरियंस बट पहले हम चाहते हैं कि सेवा रूरल बताएं क्योंकि उन्होंने जैसा उन्होंने रिसर्च किया है फ्लैनल के ऊपर जतन ने भी किया है और हमारे एरिया में उसको टाइम पीस बोलते हैं. उसी कपड़े को टाइम पीस बोलते हैं और 2004 से ये मिल रहा है टाइम पीस हमारे इलाका में जहाँ जहाँ जतन काम करती है. तो हमारे रिसर्च थोड़ा सा बिल्कुल उल्टा बताता है जो सेवा का रिसर्च बताता है. तो हम बहुत इंटरेस्टेड है जानने में कि टाइम पीस का इतना पॉपुलर क्यों है आपके एरिया में.
इसके ऊपर गुजरात में मतलब हमने भी यहाँ पर कच्छ में जो एक असेसमेंट किया था, क्या मैं उसके बारे में बता सकती हूँ? मैं भारती फ्रॉम सी एस सेवा रूरल बताएंगे, नसरीन जी बताएंगे, सेवा रूरल बताएंगे आप? हाँ जी मैम, एक्चुअली लाइक आई मेंशन्ड बिफोर, हेलो हेलो जी, हाँ जी वी कैन हियर यू, या ओके। एक्चुअली यहाँ पे पहले जो फ्रीक्वेंसी ओल्ड क्लॉथ को यूज करने की थी वो काफी ज्यादा थी, आई मीन द मेजॉरिटी जो मेंस्ट्रुएटर्स है हमारे दे वर यूजिंग ओल्ड क्लॉथ्स एंड उसका डिस्पोजल या ये सब काफी मुश्किल था एंड प्रॉपर जो सन ड्राइंग बोलते हैं विच इज लाइक हाईली रिकमेंडेड वो नहीं था प्रैक्टिस में। देन वी जस्ट वी एज अ ग्रुप सैट एंड वी डिसाइडेड कि क्या किया जा सकता है, सो विच इज वाई वी थॉट ऑफ समथिंग जो कल्चरली एक्सेप्टेबल हो। इस वजह से हमने फलालिन इंट्रोड्यूस किया था कुछ सालों पहले एंड उसके रिस्पॉन्स काफी अच्छे रहे, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि बहुत सारा कल्चरल टैबू है, अगर महिलाएं कुछ और लाइट कलर का यूज कर रही है तो वो शायद उसको घर के सबसे गंदा एरिया बोल सकते हैं या जहाँ बिल्कुल सनलाइट की एंट्री नहीं है वहां सुखाती थी। बट क्योंकि फलालिन इट्स लाइक द कलर इज वेरी व्हाट टू से कलर जो है वो एक्सेप्टेबल है, उस पे दाग धब्बे जो है वो दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए अभी जो महिलाओं के अंदर की जो वो हिचक थी कि जो हेजिटेशन था उनका वो इस वजह से दूर हुआ है। इसलिए हमारे एरिया में जो हमने ऑब्जर्व किया है कि ये ज्यादा सक्सेसफुल रहा है एंड जो मेंस्ट्रुएटर्स है वो उसको इजीली एक्सेप्ट कर पाती है, बिकॉज अभी थोड़ा वो जो शेम है बाहर ड्राई करने का वो काफी कम हो गया है। Yeah. हमारा जो हमने जब क्रॉसओवर ट्रायल्स किया था वही 2013 में, उसी समय 2013-2014 में हमने भी क्रॉसओवर ट्रायल्स किया था फ्लैनल को लेके, फ्लैनल हमारे यहाँ टाइम पीस बोलते हैं, उसमें ऑलमोस्ट 80% महिलाएं हमारे सैंपल में उनको रैशेस और फोड़े और बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हुई थी टाइम पीस के अंदर, और साथ साथ एंटी रैश क्रीम भी उनको यूज करना पड़ा, तो हमारे एरिया में ये बिल्कुल ही नहीं चला। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये जरूर है कि क्योंकि सस्ता है बहुत जल्दी सुखा सकते हैं हम इसको, और बहुत डार्क कलर्स में लोग पसंद करते हैं, तो ये चलन इसका है, अभी खत्म नहीं हुआ है कि लोग यूज करते हैं। लेकिन हमारे जहां हम काम करते हैं बार बार हम यही मैसेज देते हैं कि हल्का रंग का कपड़ा हो ताकि आपके जो डिस्चार्ज के जो कलर्स है उसको आप पहचान पाओ, अगर यू नो ग्रीन डिस्चार्ज है या पिंक कलर का डिस्चार्ज है या येलो कलर का डिस्चार्ज है तो जरूर वो इन्फेक्शन का वो सिग्नल है, इन्फेक्शन का वो निशानी है, तो इसीलिए हल्का रंग का कपड़ा पहनो, ये जरूर हम बात करते हैं। तो एक सवाल आया है चैट बॉक्स में, ओके okay, ये तो आंसर हो गया था कि अनमैरिड गर्ल्स यूज कर सकते हैं, ये तो आंसर हो गया था। शोभा शाह कह रही हैं कि फ्लैनेट क्लॉथ नीड्स टू बी क्लीन्ड प्रॉपरली, हाइजीनिक प्रैक्टिसेस आर इंपॉर्टेंट, यस ऑफ कोर्स वी टोटली अग्री विद दैट। एनी अदर क्वेश्चंस फ्रॉम एनीवन एल्स? समवन ऑन द क्वेश्चनेयर आंसर बॉक्स, उन्होंने पूछा है कि अगर वो जो हैं वो खुद मेंस्ट्रुअल हेल्थ एजुकेटर हैं तो वो कैसे जुड़ सकते हैं, तो उसका जवाब यही है कि आप ugair@jatansansthan.org पे हमें ईमेल लिखिए और आपको जिस संस्था से जुड़ना है हम आपको उस संस्था से जोड़ेंगे, तो जो भी और जानना चाहते हैं आप हमें उस आईडी पे लिख सकते हैं ugair@jatansansthan.org। स्मृति जी, किसी और के कोई सवाल? स्मृति जी वेस्ट बंगाल उड़ीसा जी। हाँ मैं केतन बात कर रहा हूँ गुजरात से। जी केतन जी। हाँ मेरा एक आपसे और लक्ष्मी जी से भी एक सवाल है, जैसे मेंस्ट्रुअल कप के बारे में जो सेवा रूरल ने बताया अपना एक्सपीरियंस, तो सीएसपीसी में हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमने मांडवी ब्लॉक में भी, जैसे अभी जिस महिलाओं से बात हुई उसमें उसी ब्लॉक में हमने 10 मेंस्ट्रुअल कप महिलाओं ने लिए थे, यूज कर रहे थे, हालांकि वो आज की तारीख में हमारा जो बास्केट ऑफ प्रोडक्ट्स है उसमें मेंस्ट्रुअल कप नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि मेंस्ट्रुअल कप पर इतना कोई जहां तक मुझे मालूम है इतना कोई रिसर्च पेपर नहीं है उसके यूसेज के बारे में कि उसके डिसएडवांटेजेस क्या है,
एडवांटेजेस जैसे इन्होंने बताए सेवा रूरल में कि वो प्रमोट कर रहे हैं, मगर काफी सारी ये चीज ऐसी है जो आपको बॉडी के अंदर इंसर्ट करना होता है। बाकी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आप बॉडी के बाहर रहते हैं। तो मुझे ये लगता है कि इस पर एक ज्यादा एक सोचने की भी जरूरत है कि अगर कोई पार्ट आप बॉडी के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को, तो उस पर जब हम उसको प्रमोट कर रहे हैं तो साथ साथ उसका हाइजीन कैसे मेंटेन करें, क्योंकि मान लीजिए कभी टॉयलेट में बदलते हुए वो गलती से वो नीचे गिर गया टॉयलेट में, आप वही उठा लिया और ठीक से नहीं आपने उसको धोया अथवा या ठीक से स्टरिलाइज नहीं किया उसको और फिर से पहन लिया, तो काफी सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं इसमें। मुझे मेरा एक एक्सपीरियंस ये है, और हमने दिए भी थे, आज की तारीख में भी डिमांड है मांडवी जहां पर हम काम कर रहे हैं वहां पर, मगर अभी हम उसको प्रमोट नहीं कर रहे हैं क्योंकि कोई ऐसा ऑथेंटिक उस पर पेपर नहीं है उसके यूसेज के बारे में। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं केतन जी आप, और हम भी अपने एरियाज में इसको अभी इंट्रोड्यूस नहीं करते क्योंकि हमें भी लगता है कि एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए और इसके ऊपर बहुत ज्यादा जानकारी अभी है नहीं, और अगर कोई सिचुएशन ऐसी आई जहाँ पे कप में मदद की जरूरत हो उसको निकालने में, लगाने में, या कोई साइड इफेक्ट हो, तो उसको हैंडल करने की क्षमता ऑर्गेनाइजेशन में पूरी तरह होनी चाहिए जब वो ऐसा एक प्रोडक्ट लॉन्च करती है। तो हम भी बिल्कुल आप ही की तरह इसको बहुत केयरफुली इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकिन हम इसके ऊपर बातचीत जरूर करते हैं अपने एजुकेशन सेशंस में और ये प्रोडक्ट दिखाते हैं ताकि लोगों को पता हो कि ये भी एक चीज है जो अब आई है, और अक्सर बहुत इंटरेस्ट जागरूक होता है लोगों में जब वो ऐसी एक चीज देखते हैं, क्योंकि कईयों ने सुना नहीं होता कि ऐसे आप एक इंसर्टेबल प्रोडक्ट यूज कर सकते हो। तो आपने जो पॉइंट्स रेज किए वो बिल्कुल वैलिड हैं, एंड साथ ही मैं आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि आप क्लॉथ पैड्स भी प्रमोट करते हैं, आपका एक प्रोडक्ट बास्केट है, तो कैसा रहा है अनुभव सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स को लेके, कैसे आप इसको पॉपुलराइज करते हैं, अगर आप इसको बेचते हैं कैसे बेचते हैं, कुछ अगर आप उन बातों पे हमें बताना। देखिए, अभी जो बास्केट ऑफ प्रोडक्ट्स हैं उसमें जैसे टाटा ट्रस्ट ने जो कुछ ऐसी इतनी थोड़ा जोर से बोलिएगा, कुछ ऐसी एजेंसी है जिसके साथ टाई अप किया है, जैसे मान लीजिए एक इकोफेम करके एक प्रोडक्ट है जो ऑरोविला तमिलनाडु से, जिसको हमारे बास्केट ऑफ प्रोडक्ट्स में है, लिविंग आर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड से जो साफकिन है वो है। अगर मैं गुजरात की आज की तारीख में बात करूं, जैसे सेवा रूरल झगड़िया ने जो बताया, तो काफी सारे वो जो टाइमपीस जो लक्ष्मी जी ने बोला, लक्ष्मी मैम ने, कि टाइमपीस काफी सारा यूज हो रहा है यहाँ गुजरात में भी, और मेन रीजन उसका है कि वो बहुत ही सस्ता मिलता है और लाल कलर में, मरून कलर में मिलता है। तो ये एक परसेप्शन हमें उस साइड से भी चेंज करना है कि जैसे आपने भी बताया कि अगर मान लीजिए डार्क कलर का कपड़ा है तो उसमें मान लीजिए कोई दाग रहेगा या इन्फेक्शन है, आपके ब्लड का अगर कलर चेंज हो रहा है तो आपको खुद को ही पता नहीं चलेगा कि क्या है, इन्फेक्शन है कि नहीं है। तो इसीलिए अगर थोड़ा लाइट कलर का कपड़ा इसको प्रमोट करे तो काफी मतलब ज्यादा बेहतर रहेगा इसमें। गुजरात की अगर मैं बात करूं तो ज्यादा अभी जो सेलिंग हो रहा है वो जो मैंने बताया आपको कि इकोफेम करके जो प्रोडक्ट है, रीयूजेबल प्रोडक्ट्स, जो हमारे कुछ एंटरप्रेन्योर्स हैं हमारे एरियाज में, भावनगर में, अमरेली में, कच्छ में, जो वहां से खरीदते हैं और उसको महिलाओं को, जो हमारी जो टीम है वो भी उसको प्रमोट करती है उसको यूज करने में, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि उसको रिप्लेस करे टाइमपीस से, टाइमपीस जो बहुत ही सस्ता और जो कॉटन नहीं है, तो इससे बेहतर है कि वो एक कॉटन का कपड़ा यूज करे जो उनके आरोग्य के मतलब हेल्थ के लिए भी अच्छा है और साथ ही साथ एनवायरमेंट के लिए भी अच्छा है कि अगर वो रीयूजेबल पर फोकस करे तो। कुछ ऐसे भी एरिया है जहां पर सैनिटरी नैपकिन जो कमर्शियल प्रोडक्ट्स हैं वो भी यूज हो रहे हैं, तो वहां पर भी हमारा फोकस रहता है कि आप सिंगल यूज प्रोडक्ट को छोड़कर रीयूजेबल पर ज्यादा रिलाई करें, क्योंकि अगर रीयूजेबल कर रहे हैं तो आपका हेल्थ और एनवायरमेंट दोनों इसमें मेंटेन रहेंगे। तो काफी हद तक हमें एक सपोर्ट मिला है हमारी टीम से भी कि हम जो रीयूजेबल प्रोडक्ट है खास करके इकोफेम उसको ज्यादा हम ये कर पाए हैं। और जैसा मैंने अभी बताया हमारे जो स्पीकर्स थे मांडवी के, जैसे आपका जो आपने जो ट्रेनिंग हमें दी है उगेर पेड़ की, तो वो भी हम जितने भी ग्रुप्स हैं, जैसे ही हमारा सेकंड मॉड्यूल कंप्लीट होता है तो सारे ग्रुप को हम कैसे सिलना है, स्टिच करना है ये क्लॉथ पैड, वो हम ट्रेन करते हैं उनको। और ये अभी जो हमारे स्पीकर थे मांडवी में, जयश्री बहन, उन्होंने खुद सीख लिया, वो खुद यूज करते हैं, और बाकी सारे बहनों मतलब उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं
उन तक भी ये मैसेज पहुंचाते हैं वो खुद कर। कभी तो ये लोग गिफ्ट भी देते हैं कि चलिए ये आपका हमने सी लिया 5 ये आपको एज ए गिफ्ट। तो वो क्लोथ पेड भी काफी सारी महिलाएं सीखी है और वो भी मतलब जो जो महिलाएं वर्किंग वुमन नहीं है जो घर पे रहते हैं वो काफी है कि वो लोग यूज कर रहे हैं क्लोथ पैड को। ओके थैंक यू केतन जी। एक सवाल है उड़ीसा टीम के लिए, वो जानना चाहते हैं लोग कि आपने अपने काम क्या चीज ने इंस्पायर किया आपको अपना काम शुरू करने के लिए, क्यों आपने वहां पे इस काम की शुरुआत की, किस चीज से आपको इंस्पिरेशन मिला? जब तक उड़ीसा टीम जयंती जी, जयंती या दीपा, क्या आप इसका जवाब देना चाहेंगे कि आपने इस विषय में काम कैसे शुरू किया, क्या आपकी प्रेरणा थी ये काम शुरू करने के पीछे की, आप अनम्यूट करके बताएंगे? ओके, जब तक जयंती जी आती हैं तब तक एक सवाल वेस्ट बंगाल टीम्स के लिए भी है। ये सवाल है कि वहां पे ट्रेडिशनली क्या यूज करते हैं महावारी मैनेज करने के लिए। जैसे हम जानते हैं बंगाल में जूट बहुत होता है, आमतौर पे हम देखते हैं कि जिस स्टेट में जो प्रोडक्ट अवेलेबल होता है ट्रेडिशनली उसका किसी न किसी तरह से उपयोग किया है। जैसे राजस्थान में जहाँ पे रेती है वहाँ हम जानते हैं कि पहले रेती के बैग्स बना के उनको पोटली में भर के कई लोग महावारी मैनेज करने में इस्तेमाल करते थे। तो ऐसा कुछ बंगाल में यूज होता है क्या, वेस्ट बंगाल में, कलकत्ता या दार्जिलिंग, प्रेरणा कोई भी जवाब दे सकता है। तो ये दो सवाल हैं, एक उड़ीसा के लिए और एक दार्जिलिंग और कलकत्ता। दार्जिलिंग में तो ऐसा कुछ भी नहीं है मैम, वो हम वो क्लोथ पैड्स, सैनिटरी पैड्स और वो कप्स अभी अभी स्टार्ट हुआ हो रहा है, लेकिन वो थोड़ी देर बाद सर पूछ रहा था ना एक क्वेश्चन कि वो मेंस्ट्रुअल कप यूज करने में दिक्कत है या नहीं, ऐसे बोल रहा था ना। वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं आई हेलो मैम, बिल्कुल हेलो मैम, हाँ बिल्कुल, आप शॉर्ट में हमारे साथ छोटा करके उसको संक्षिप्त में शेयर करिए जरूर। ओके श्योर। स्टार्टिंग में तो मुझे भी बहुत डर लगा था कि ये कैसे, अगर गिर जाएगा तो मैं क्या करूं, अगर रास्ते में चलते चलते ये कप गिर जाएगा तो मैं क्या करूं, ऐसे मेरे दिमाग में था। तो मैंने भी डर के मारे जब मैंने फर्स्ट टाइम वो कप यूज किया तो मैं घर से बाहर भी नहीं निकला कि मुझे डर था कि कहीं ये गिर गया, अगर लीकेज हो गया तो मैं क्या करूं। लेकिन ये बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल भी लीकेज नहीं होता है इससे, और वो टॉयलेट वगैरह में भी वो बिल्कुल नहीं निकल जाता है। तो खुद के सेफ हाइजीन के लिए हमें इसको यूज करने से पहले वो नमक और पानी में बॉयल करने से अच्छा होता है खुद के हेल्थ के लिए, और उसके बाद उसको रिंस करके हम यूज करते हैं। तो इसको मैं विद इन फोर आवर में इसको बाहर फेंक के वो फिर से एक बार धो के यूज कर, मैं इस तरह से यूज करती हूँ। थैंक यू, वेरी नाइस, थैंक यू। और कोई जवाब देना चाहता है, नहीं तो हम अब अपने सेशन के अंत में आ गए हैं, टाइम हो चुका है। मैम मलकानगिरी से,
कौन बोल रहे हैं? जो उड़ीसा से हैं। तो यहाँ पे जो बड़ो दीदी का हमने प्रोग्राम जो शुरू किए थे, इसलिए किए कि मलकानगिरी में ज्यादातर ट्राइबल लड़कियां रहते हैं और हम जो ट्राइबल लड़कियां एजुकेटेड हैं, हमारा जो उनके ऊपर कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हम जब देखें कि यहाँ पे लड़कियां किस तरह से रह रहे हैं, बहुत सालों हम खुद देखे हैं, हमारे लड़कियां जो है ज्यादातर लड़कियां हमारे ट्राइब्स हैं, तो खुद का समझ में आता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। वही चीज को लेके हमने बड़े दीदी का शुरुआत किया कि हम ज्यादातर कैसे लड़कियों के पास पहुंचे और उनके उन मुद्दों को समझ पाए, जैसे मेंसुरल हाइजीन को लेके। यहाँ पे तो ज्यादातर मेंसुरल कप का ऐसे कुछ ऐसे ही पैड का भी यूज यहाँ पे बहुत कम है, लड़कियां बहुत कम पैड यूज करते हैं, कपड़े पे ज्यादातर यूज करते हैं, उसका भी हाइजीन के ऊपर उनका कोई भी ज्यादातर नॉलेज नहीं है, उससे क्या प्रॉब्लम होता है उनको उसका भी पता नहीं। जब हम फील्ड में जाते हैं तो लड़के से वही बात उनसे ज्यादातर बात करते हैं कि हाइजीन किस तरह से मेंटेन करना है, और कपड़े को ज्यादातर सुखाएंगे तो अभी घर के किसी के कोने के अंदर या जहाँ पे लाइट ज्यादा okay, so you have been myself or what? How do we pin ourselves? So we just pin ourselves, please. Please pin us, yeah. Yeah. We lost. Jayanti. Yes, we sort of lost them in the lost all our we lost our Orissa speakers in the end, but I think we got a gist of what they said. So. Now we are approaching the end of today's webinar, and I just want to. I want to thank all of you for joining us this morning. So I will just, I have the privilege of making all the concluding remarks. So I just before I start that, I just wanted to share with. The people, the two groups who were speaking about the timepiece, the flannel. So at Jatan Sanstha, we got this tested in a laboratory at Banasthali University some years ago. And it was found to be containing polyacrylate material. So which is a polyester material which doesn't biodegrade. So that's the reason why at Jatan we are a little anxious about pushing for timepiece, and we've always kept it in the background of all our work. So this is the reason why I thought we should share why we are not so very comfortable with timepiece. So now we will close this discussion on the timepiece and move on to a lot of other points that came up in today's webinar. We learned again that there was superstition. We learned that there was lots of hesitation about menstruation. Speakers shared with us that they don't sleep with their partners during this time. There were so many other things that I kept listing. Missing school during menstruation, missing school up to 7 days was another thing that was reported by one speaker. From Malkangiri, we also heard how disposable pads are getting very popular. Disposable pads have come in everywhere. They've come in into, I think, almost every imaginable area that you can think of. The negative effects of disposable pads is something that we all need to consider, because 5,000 pads are used up by a menstruator at the end of their menstrual lifetime. So really speaking, there are complex issues. Menstruation is a complex issue. We know that it's never been safe. And we know that it's never been simple. And what I really enjoyed today was hearing our male speaker from Gujarat, from Mandvi. Thank you very much for giving us your views. And we also understood that when there is support of males, a lot of positive action gets taken. For example, we also heard from, I don't know which group, I forget now which group that said, that male members were very instrumental in coming and changing our behavior. So I think the support of men is very, very crucial. And I'm very happy that at Jatan, we started this work way back in 2000, when menstruation was still not so actively and widely spoken. So I guess, going on and on. And what I really enjoyed was the messages on the kites. I really enjoyed that, Seva Rural team. And I'm going to now think of what kind of messages we can give commonly, whether can we say something on a matchbox?
because everyone uses a matchbox. Maybe people have started using gas lighters now, even in the rural communities. So I really, I'm constantly on the lookout for what is the medium that we can send our safe messages. So I really enjoyed the kite one, and thank you very much for bringing it on the show, because on the side I'd asked Neha if she could get us the kite. So is it time now, Payal, to be announcing the details of the next episode? Yes, sure. Yes, okay. So we have next episode number 4, which is next Saturday. And this time we will not be bringing speakers from the field. This time we are going to bring designers who have worked on IEC material. So I will say again, we are going to bring designers who have worked on IEC material. We are going to bring designers to listen in, share their views, share the work that they have done in IEC. But we are bringing in senior designers who have worked for more than 20 years in the field of reproductive health. There are very few designers in the country who've continuously worked in the area of menstrual health, reproductive health. And we are trying to bring those in on the panel on the next Saturday. So we really hope you will join in. And again, the speakers will be speaking in Hindi. So, you know, we are not going to be getting speakers in English. So that is one point that we have always kept at the center, that let's use Hindi, let's use some regional languages as we share our work with the in Bharat Darshan. So we really, really hope that you've enjoyed Bharat Darshan. And any closing remarks from Smriti and the team? The team has worked very, very hard as usual. Japan team has worked night and day to bring this together. Here have been so good. And really, really hope that you will share the links later, because we have put this up on the Japan website, and we hope you share the links in all your networks. So just over to Payal and Smriti as we conclude the session. धन्यवाद लक्ष्मी जी, आपने सभी स्पीकर्स के साथ साथ जो भी हमारे श्रोता थे उन सभी को धन्यवाद दिया जो लगातार हमारे साथ जुड़े रहे और इस पूरी जर्नी, चार प्रदेशों की जर्नी के साक्षी बने। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी तरफ से। लक्ष्मी जी ने साझा किया कि हमारा अगला एपिसोड इस एकरूपता से थोड़ा अलग होगा। इस आने वाले एपिसोड में हम दशकों से जो महावारी स्वास्थ्य पर काम कर रहे व्यक्ति हैं उन सभी को बुलाएंगे जो हमारे साथ डिजाइन और महावारी स्वास्थ्य की पूरी जर्नी को हमारे साथ साझा करेंगे। तो साथियों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा, और हम ये भी आशा करते हैं कि आने वाला जो हमारा एपिसोड है आप उसमें भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और ये जो लिंक्स, बैनर्स, जितना भी प्रचार हम अपनी तरफ से करते हैं उसको अलग अलग जगह सब लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने वेबिनार्स को पहुंचा सकें। एक बार और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत के कोने कोने तक ये प्रयास सब तक पहुंच पाए। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। साथियों, हम उस घड़ी में पहुंच गए हैं जब आज का वेबिनार समाप्त हो गया है। तो आप सभी अब लॉग आउट कर सकते हैं। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।